गुड आफ्टरनून। सो ऐसा है, हम लोगों ने पिछली क्लास में कन्वर्जन के बारे में पढ़ा था। सो कन्वर्जन ऑफ कंपनी एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते, बाकी चीज़ें तो ऑलरेडी पढ़ी हुई थी। कन्वर्जन ऑफ कंपनी में हमने सबसे पहले देखा कि प्राइवेट कंपनी कैसे क्या पब्लिक हो सकती है। सो उसमें हमने देखा तीन प्रकार से हो सकती है। पहली, गलती से, बाय डिफ़ॉल्ट। अगर उसने कुछ गलती किया या कुछ गड़बड़ किया, जैसे कि शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफरेबल कर दिया, सो ऐसे केस में इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक कंपनी। इसका मतलब ये है कि उसके जो बेनिफिट्स मिलते थे प्राइवेट कंपनी के, वो बेनिफिट्स मिलना अब बंद हो जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर वो सब्सिडरी बन जाती है किसी एक पब्लिक कंपनी की, मीन्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कन्वर्जन यहाँ पे हो जाएगा। और तीसरी चीज़, जब वो अपनी इच्छा से, चॉइस से वो कन्वर्ट होना चाहती है। सो इच्छा से कन्वर्ट होने के लिए पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग बुलाएंगे, उसमें डिसाइड करेंगे कि हमको कंपनी को कन्वर्ट करना है। फिर परमिशन लेना है किससे, तो शेयर होल्डर्स से। उनके लिए जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी, उसमें रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। कहाँ पे मीटिंग बुलाना है वो डिसाइड किया जाएगा। और शेयर होल्डर्स से दो प्रकार के रेजोल्यूशंस पास कराए जाएंगे, दोनों ही स्पेशल रेजोल्यूशन रहेंगे। पहला रेजोल्यूशन रहेगा जिसमें आप आर्टिकल्स को चेंज करेंगे और जो कंडीशंस लिखी गई थी प्राइवेट कंपनी की, वो कंडीशंस को आप हटा दोगे। जो सेक्शन 2 क्लॉज 68 की कंडीशंस है उनको आप रिमूव करोगे, ये पहली चीज़। दूसरा रेजोल्यूशन होगा फॉर चेंज ऑफ नेम, क्योंकि आपके नाम में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा गया है, सो वो प्राइवेट वर्ड को हटाना पड़ेगा। सो उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करेंगे जिसमें हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करेंगे। फिर ये दोनों चीज़ों की कॉपी और स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी आपको फाइल करना है विद द रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज, और रजिस्ट्रार इसके बाद एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको देगा। इसके अलावा कुछ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ भी हो सकती हैं, जैसे कि आपके अगर डायरेक्टर्स कम हैं तो डायरेक्टर्स बढ़ाना पड़ेगा, मेंबर्स कम हैं तो मेंबर्स बढ़ाना पड़ेगा, शेयर कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं तो वो किया जा सकता है। सो इन प्रकार की और भी फॉर्मेलिटीज़ हो सकती है जो पूरी करना पड़े। इसके अलावा फिर हमने देखा, अगर एक कंपनी पब्लिक से प्राइवेट हो रही है, सो यहाँ पे आपको परमिशन भी लगती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। पहले यहाँ ट्रिब्यूनल की परमिशन लगती थी, बट अब सेंट्रल गवर्नमेंट की लग रही है। तो आपको 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है इस पर, MCQ वगैरह, तो ध्यान रखना है आपको। सो अगर एक कंपनी पब्लिक से प्राइवेट होने जा रही है तो छोटी हो रही है वो कंपनी, सो ऐसे केसेस में रेजोल्यूशंस पास होंगे। पहला रेजोल्यूशन रहेगा ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में, जिसमें हम आर्टिकल्स में तीन कंडीशंस जो होती है प्राइवेट कंपनी की, वो इनकॉर्पोरेट करेंगे। इसके बाद हम मेमोरेंडम बदलेंगे और नाम उसका ऑल्टर किया जाएगा। ये दोनों चीज़ों की कॉपी, ऑल्टर्ड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, और एक ऑर्डर लिया जाएगा, आपको अप्रूवल लेना है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी कॉपी। ये चारों चीज़ें आपको फाइल करना पड़ेगा विद द रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो परमिशन मिली है आपको, वहाँ से 15 दिन के अंदर आपको फाइलिंग करना है। फिर यहाँ पे भी आपको एक न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाएगा। यहाँ पे गलती से कन्वर्ट नहीं हो सकती, आपको याद होगा, तो गलती से ऐसा हो नहीं सकता कि भाई फ्रीली ट्रांसफरेबल है तो वहाँ कुछ गलती हो ही नहीं सकती, या नंबर ऑफ मेंबर्स 200 से ज़्यादा जाना, तो वैसा बाय डिफ़ॉल्ट कन्वर्जन होना वहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो वहाँ पे एक ही प्रकार से कन्वर्जन हो सकता है, बाय चॉइस। तो ये हमने ऑलरेडी देखा था, ये पूरा आपने बनाए होंगे ऐसा हम मान के चलते हैं। फिर ये छोटे मोटे पॉइंट्स कुछ देखे थे हमने OPC के बारे में, थोड़े बहुत चेंजेस हैं ये भी हमने देखे थे। तो ये सब रिवीजन है, ये सब आपने फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं अदर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, और कैसी कैसी कंपनीज हो सकती हैं। सो अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो सकता है। हम हैं पेज नंबर 1.14। ये जो क्लासिफिकेशन है ये भी कंपनीज एक्ट में ही बताया गया है। कंपनीज एक्ट में और भी प्रकार से डिफाइन किया गया है कंपनीज को। बेसिकली तीन ही टाइप्स हो सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और OPC, जो मैंने आपको पहले बताया था सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो बोलता है वो एकदम परफेक्ट है, उसके अलावा कोई और कंपनी हो ही नहीं सकती। सो वही कंपनी
या तो गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी, जैसे वही है, या तो प्राइवेट कंपनी होगी, पब्लिक होगी। अब ओपीसी तो नहीं बनेगी क्योंकि ओपीसी के लिए इंडिविजुअल एक होना, नेचुरल पर्सन होना, बट गवर्नमेंट कंपनी यानी एक सिंपल सी ऐसी कंपनी जिसके 51% या उससे ज़्यादा शेयर्स गवर्नमेंट ने होल्ड किए हैं। फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, या मिलके हो सकता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट, या दो स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके होल्ड किए। तो ऐसी सब जो कंपनीज होती हैं जिसमें गवर्नमेंट का मेजर शेयर होल्डिंग रहेगा, सो 51% या उससे ज़्यादा। तो 51% बोला गया है, 50% से ज़्यादा नहीं बोला गया है, ठीक है। सो गवर्नमेंट कंपनी डेफिनेशन क्या बोल रही है, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। अब यहाँ वर्ड पेड अप शेयर कैपिटल है, बट इसको क्लैरिफाई किया गया है कि जब भी यहाँ पेड अप शेयर कैपिटल रहेगा आप वोटिंग पावर्स ही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेड अप शेयर कैपिटल है, दिस मीन्स द टोटल वोटिंग पावर। सो जो टोटल वोटिंग पावर है वो होल्ड कर रही है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो स्टेट गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट्स मिलके, या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। सो ऐसी जितनी भी कंपनी है, एक नॉर्मल सी कंपनी बनाई गई जिसकी सिर्फ शेयर होल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, कितनी, 51% या उससे ज़्यादा। तो ऐसे केसेस में ये गवर्नमेंट कंपनी हो गई, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती हैं। सो किसी भी प्रकार से अगर गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, जैसे कोल इंडिया, तो कोल इंडिया जो है उसके गवर्नमेंट के पास मेजर शेयर होल्डिंग है, ठीक है। भेल हो गई, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो ये सब जो है, ये सब कौन सी कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज है, ठीक है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसी जितनी भी कंपनीज है, ये सब कंपनीज गवर्नमेंट कंपनीज है, क्योंकि इसमें मेजर शेयर होल्डिंग जो है दैट इज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। सो वही दिया है, एक और प्रकार बताया है, जैसे समझो ये हो गई गवर्नमेंट कंपनी। अगर एक कंपनी इसकी सब्सिडरी बन जाती है, सो ये कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी ही मान ली जाएगी। ठीक है, तो ये भी गवर्नमेंट हो गई और ये भी, दोनों ही कंपनीज गवर्नमेंट कंपनी मान ली जाएगी, ठीक है। सिर्फ ये ध्यान रखना 51% या उससे ज़्यादा बोला है, यानी अगर समझो इस कंपनी के 10,000 शेयर्स थे, तो 10,000 में 5,001 होल्ड करने से गवर्नमेंट कंपनी नहीं बनती, 5,100 होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 51% बोला है, तो 5,100 पे 51% होता है, ठीक है। सो ये पॉइंट थोड़ा सा अलग है, नहीं तो बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन एक दिखती है आपको जिसमें हम सब्सिडरी कंपनी पढ़ते हैं, वहाँ लेकिन मोर देन 50% बोला है। तो मोर देन 50% और 51% अलग चीज़ें होती है, ठीक है। तो कानून में इनसे बहुत फ़र्क पड़ता है, तो कानून में मोर देन 50% बोला तो वो अलग चीज़ हो गई, वो 50.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 50.00001 भी हो सकता है। सो ये सब मोर देन 50% है, और 51% बोला है ना, फिर 51 ही होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा है, सो सिंपल सी डेफिनेशन है, फाउंडेशन में पड़ी हुई है, बट फिर भी रिवाइज कर लिया हमने। सो पहले तो या तो शेयर होल्डिंग के थ्रू, या फिर इट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। अब सब्सिडरी क्या होती है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो वैसे आपको पता है क्योंकि फाउंडेशन में आप सब ने पढ़ा है, ठीक है। फीचर्स बताए गए हैं, क्या इसकी खास बातें होती है। बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी इज अ रजिस्टर्ड कंपनी, नॉर्मल जो रजिस्टर्ड होती है अंडर द कंपनीज एक्ट। इट इज़ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इन विच द गवर्नमेंट इज अ मेजर शेयर होल्डर 51%, ठीक है। कभी कभी अपन अपने आप हाईलाइट हो जाते हैं, ठीक है, होता है। हाँ, फिर कंपनीज एक्ट इन जनरल अप्लाइज टू गवर्नमेंट कंपनीज, लेकिन इनको कुछ रियायतें दी गई हैं, कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है तो इसको कुछ बेनिफिट्स दिए गए, जो कि हम आगे देखेंगे एक एक करके। आपको इस चैप्टर के एंड में अनेक्शस दिए हुए हैं, सो अगर आप देखेंगे तो चैप्टर के एंड में आपको कुछ अनेक्शस दिए हुए हैं। इसमें आपको बताए गए हैं कि किस किस प्रकार के एग्जम्पशंस दिए गए हैं कंपनीज को। जैसे पहला अनेक्शर बताता है आपको
कि प्राइवेट कंपनी को कैसे कैसे अनेक्शस कैसे कैसे इनको बेनिफिट्स दिए गए हैं। तो ये अनेक्शर में बताया क्या क्या प्रिविलेजेस है, क्या क्या बेनिफिट्स है टू दी प्राइवेट कंपनी। सो अनेक्शर्स में बताया गया आपको कि क्या क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं, ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ आपको ये आखिरी टाइम के लिए दिया है, तो आखिरी टाइम जब आप पढ़ेंगे, आखिरी टाइम मीन्स जब एग्ज़ाम के टाइम पे, वो आखिरी टाइम नहीं उसको टाइम है, तो एग्ज़ाम के टाइम पे जब आप पढ़ेंगे सो आपको एक साथ देखने को मिल जाएगा। अभी तो ये हम पढ़ने के हैं, हम जब आगे सेक्शन 62 पढ़ेंगे, फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, तब मैं ये पॉइंट वहाँ बताऊँगा आपको। यहाँ पर फिर क्यों दिया हूँ मैंने, सिर्फ इसलिए क्योंकि एट अ ग्लांस आपको आखिरी टाइम पर ये रिवाइज़ करने को हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सो वैसे हम जब सेक्शन नंबर 62 पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी आगे शेयर कैपिटल में हम देखेंगे, जिसमें हम फर्दर इशू ऑफ कैपिटल देखेंगे, जिसमें राइट इशू क्या होते हैं, ये सब चीज़ें अपन देखने वाले हैं। सो ये राइट इशू से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर वैसे ही कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं प्राइवेट कंपनी को, जो हम एक एक करके देखेंगे कि उनको नोटिस भेजने का जो समय है उसमें थोड़ी सी रियायतें दी गई हैं, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होता है वो देखेंगे बाद में, तो ये सब बाद में आने वाला है, ये सेक्शन 102 है, ये सब एक एक करके अपन देखेंगे। कोरम, चेयरमैन, प्रॉक्सीज, तो इनसे रिलेटेड भी कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं, ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा ये पॉइंट्स भी आगे देखेंगे, ये सिर्फ आपको एक साथ इसीलिए दिया है ताकि आगे चल के जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको एक जगह पर चीज़ें मिल जाएगी। जो सेकेंड अनेक्शर है वो गवर्नमेंट कंपनी के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे इनके नाम के सामने लिमिटेड वर्ड लिखा होगा, इवन इफ अगर ये प्राइवेट कंपनी है तो भले ये प्राइवेट लिमिटेड होगी बट इनको प्राइवेट वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, सीधा ये लिमिटेड वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन, ये अलग प्रकार से होते हैं, इसमें देखेंगे आगे। फिर ये भी आगे आएगा 89, 90, 96, ये सब जो सेक्शन से ये सब आगे हम पढ़ने वाले हैं। 129, 152 आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है, 171 भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर निधि कंपनीज है, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, तो ये भी आगे आएंगे, जैसे सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट सेक्शन 20 में आएगा, सेक्शन 42, ऐसे आगे ये सब चीज़ें आने वाली है, बट आपको यहाँ पे एक साथ दे दिया है। ये अनेक्शर सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पढ़ लिए, समझ लिए, दैट विल बी सफिशियंट। सो ये ज़रूरी होता है लेकिन, क्योंकि आपको ये तो पता होना चाहिए रीजनल डायरेक्टर कौन है, आरओसी कौन है, तो ये सब चीज़ों के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा की जानकारी भी आपको यहाँ पे दी गई है। अच्छा है, पढ़ना चाहिए। हाँ, सो कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं इनको। सो गवर्नमेंट कंपनी एक नॉर्मल ही कंपनी है, जिसको कंपनीज एक्ट वैसे तो लगता है, बट फिर भी कुछ प्रोविजंस उनको नहीं लगेंगे, ठीक है। जैसे डायरेक्टर्स वगैरह के कुछ प्रोविजंस है वो नहीं लगेंगे, जैसे कि नाम के सामने उनको प्राइवेट वर्ड यूज़ नहीं करना है, तो ऐसे कुछ रियायतें दी गई हैं, कुछ बेनिफिट्स दिए गए, प्रिविलेजेस दिए गए। गवर्नमेंट कंपनी में आइदर भी अ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, बट इट विल नेवर यूज़ द वर्ड प्राइवेट एज अ पार्ट ऑफ इट्स नेम। सो इवन इफ इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी, इट विल यूज़ ओनली द वर्ड लिमिटेड, ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं यूज़ करते। वैसे इसका ऑडिटर भी अलग प्रकार से अपॉइंट होता है, ये अपन देखेंगे। सी एंड ए जी अपॉइंट करता है, सेक्शन 139 एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम के लिए, बट काफ़ी आखिरी में देखने वाले, एकदम लास्ट चैप्टर जो है उसमें हम देखेंगे। तो सेक्शन 139 से ही वो चालू होता है और 148 पे ख़त्म होता है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी और ऑडिट में भी, ठीक है। सो ये 139 भी आगे आएगा, इसमें अलग प्रकार से ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है, बाकी नॉर्मल कंपनीज में अलग प्रकार से होता है। फिर गवर्नमेंट कंपनी के एग्ज़ाम्पल बताएं, एचएमटी का चावल आता है, नहीं वो अलग है, वो अलग होता है, बोकारो स्टील लिमिटेड, WCL, ये सब कुछ नाम दिए गए, ठीक है। और है, कोल इंडिया है, सेल है, तो बहुत सारे, सेल, भेल, ये सब गवर्नमेंट है, ठीक है। फॉरेन कंपनी, तो फिरंगी कंपनी वो होती है जो कि बाहर रजिस्टर हुई है, तो फॉरेन कंपनी, नाम से समझ रहा है। सो फॉरेन कंपनी एक ऐसी कंपनी है या इवन बॉडी कॉर्पोरेट है विच इज इनकॉर्पोरेटेड, मीन्स रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर रजिस्टर हुई है। सिर्फ भारत के बाहर रजिस्टर होने से वो क्या
फॉरेन कंपनी में कवर होगी? नहीं, हमारे यहाँ काम भी तो करना चाहिए उसने, तो अगर हमारे यहाँ वो काम ही नहीं कर रही तो अपने को उससे कोई लेना देना ही नहीं। तो फॉरेन कंपनी को जो प्रोविजंस लगते हैं तो कोई भी फॉरेन कंपनी को नहीं लगेंगे, कोई बेचारी बाहर की कंपनी है न्यूजीलैंड की छोटी सी कंपनी, वो कुछ कर भी नहीं रही अपने यहाँ, तो उसको अपने यहाँ के प्रोविजन लगेंगे क्या? तो नहीं। सो फॉरेन कंपनी डिफाइन किया है और इनको अपने यहाँ के प्रोविजंस लगेंगे जब वो इस डेफिनेशन में कवर होंगी। सो फॉरेन कंपनी को अलग प्रकार के प्रोविजंस होते हैं, कई प्रोविजंस उनको अप्लाई नहीं होते, कुछ लगते हैं तो अलग प्रकार से लगते हैं। सो फॉरेन कंपनी पहले तो बाहर रजिस्टर हुई है बट जो भारत में काम कर रही है, तो आगे दिया है विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, भारत में उसका एक प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, फिर भले ही वो प्लेस ऑफ बिजनेस फिजिकली हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, यानी हो सकता है कि फिजिकली वो यहाँ पे प्रेजेंट भी नहीं है पर वो वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे बिजनेस करती है, तो वो भी हमारे लिए फॉरेन कंपनी हो जाएगी। जैसे अलीबाबा, तो अलीबाबा लिमिटेड है, पता होगा आपको, तो ये बचपन में अपन खेलते थे, देखते थे टीवी में, अभी वो कंपनी है, तो ठीक है, तो वो जो कंपनी है समझो वो अपने यहाँ पे वेबसाइट के थ्रू चीज़ें बेच रही है, तो वो हमारे लिए फॉरेन कंपनी हो गई। ठीक है, तो क्या दिया है, हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इट्सेल्फ और थ्रू इट्स एजेंट फिजिकली और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, तो या तो खुद करे या एजेंट के थ्रू या फिर फिजिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड किसी भी प्रकार से। इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या है ये डिफाइन किया इन दी रूल्स जो आपने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा था, यहाँ पे हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखेंगे। एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, किसी भी प्रकार से अगर वो भारत में कुछ कार्य कर रही है तो वो हमारे लिए फॉरेन कंपनी हो गई। देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें रूल्स के फॉर्म में होती है, तो यहाँ पे भी रूल्स में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या है ये रूल्स में बताया गया है, मीन्स कैरिंग आउट इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेन सर्वर भारत में है या नहीं। कई बार ये आपको केस स्टडी के रूप में पूछा जाएगा क्या ये फॉरेन कंपनी है या नहीं, डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछते, आपको ऐसा पॉइंट्स बता देंगे कि एक कंपनी है बाहर रजिस्टर्ड है, वो यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है उसका, बट वो सिर्फ एक वेबसाइट यहाँ पे चलाती है जिसका मेन सर्वर भी बाहर है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेन सर्वर कहाँ है। तो उनके सर्वर्स होते हैं जहाँ पे पूरा डेटा स्टोर होता है, तो फिजिकल सर्वर्स वगैरह भले ही बाहर हो या हो सकता है वो क्लाउड में हो, क्लाउड में मीन्स वो आप सब EIS वगैरह में पढ़ेंगे तो उसमें फिजिकल लोकेशन है ही नहीं, बट फिर भी क्या वो फॉरेन कंपनी में आएगी? द आंसर इज यस। अब कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखो मेन सर्वर भारत में हो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू, सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो दिया है ये सिर्फ एग्जांपल्स के रूप में दिए है, नीचे जो भी पॉइंट्स है नॉट लिमिटेड टू बोल दिया, मीन्स ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा और भी काम में ये फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में कवर हो सकते हैं। कौन कौन से काम, पहली चीज़ है B2B एंड B2C ट्रांजेक्शन, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शंस, डेटा इंटरचेंज, इवन डेटा इंटरचेंज भी कवर हो जाएगा, एंड अदर डिजिटल सप्लाई ट्रांजेक्शन। डिजिटल सप्लाई जैसे आपका डेटा चोरी करके बेचते हैं, तो बाहर वाली कंपनी अगर वो खरीद भी रही है तो वो फॉरेन कंपनी में कवर हो जाएगी, चोरी नहीं करते, एग्रीमेंट होता है, अपन खुद ही वो एक्सेप्ट दबाते जाते, पढ़ते नहीं कुछ नहीं और एक्सेप्ट कर लिए और वो पूरा अपना डेटा लेके आगे चले जाता। तो इसीलिए आपने देखे होंगे ना, आपने कोई भी चीज़ सर्च किया, आप मोबाइल सर्च कर रहे, अगले बार फिर दूसरा गेम खेलते रहोगे तो वहाँ पे वो मोबाइल का ऐड आएगा बराबर, या मिंत्रा में कुछ आपने सर्च किया तो वही प्रोडक्ट बराबर आता है, तो वो इसीलिए आता है क्योंकि वो ऐप वालों को आपका डेटा मिल चुका है, तो वो ये गूगल वगैरह फेसबुक ये सब वही काम करते हैं। तो ये लोग भी भले यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस ना भी हो, कुछ भी नहीं है, वेबसाइट चला रहे तो भी कवर होगा, या सिर्फ डेटा भी इंटरचेंज कर रहा है, डेटा ले रहे हैं दे रहे हैं, तो वो भी बिजनेस में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वही दिया है, इवन डेटा इंटरचेंज कवर होगा और अदर डिजिटल सप्लाई ट्रांजेक्शंस। फिर एक कंपनी है जो बाहर बनी है फॉरेन में, लेकिन उसने क्या की, भारत के जो इंडियन सिटीजन्स हैं इन लोगों से पैसा ले ली एज अ डिपॉजिट। तो ऐसे केस में ये भी भले कुछ भी काम नहीं कर रही पर भारत के सिटीजन से उनने
या भारत में उन्होंने पैसा लिया है, तो ऐसे केसेस में इट विल अगेन बी कॉल्ड एज अ फॉरेन कंपनी, भले ही वो भारत में फिर कुछ काम करे या ना करे। बट पैसा अगर लिया है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं, सब्सक्रिप्शंस ऑफ सिक्योरिटीज लिए हैं, तो ये सब फॉरेन कंपनीज में कवर होंगे, ठीक है। फिर फाइनेंशियल सेटलमेंट्स, वेब बेस्ड मार्केटिंग, इवन एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह, एडवाइजरी एंड ट्रांजेक्शनल सर्विसेज, तो कई बार एडवाइस देते हैं, अगर भारत में सिर्फ एडवाइस भी ले ली उसने तो फॉरेन कंपनी में कवर हो जाएगी। तो किसी भी प्रकार से एडवाइस लेने देने के काम हो गए, ये भी कवर होंगे। डेटाबेस सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट मीन्स कहाँ से गुड्स खरीदना, कैसे क्या वो सप्लाई होंगे, तो पूरा वो जो प्रोसेस होता है उसको सप्लाई चेन बोलते हैं, गुड्स खरीदना, प्रोड्यूस करना और आगे सेल करना, तो ये सप्लाई चेन होती है। तो सप्लाई चेन मीन्स कहाँ से गुड्स आएंगे और कहाँ पे दिए जाएंगे, तो ये भी अगर मैनेज कर रहे हैं, जैसे अमेजोन वगैरह वही काम करते हैं वो, तो वो एक्चुअली सप्लाई चेन ही मैनेज कर रहे हैं, लेते हैं कहीं से गुड्स और कहीं पहुँचा देते हैं। तो ये लॉजिस्टिक्स वगैरह में जो लोग काम करते हैं, तो वो भी अगर काम कर रहे हैं तो वो भी इसमें कवर होगा। या इवन ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, सिर्फ टेली मार्केटिंग कर दिए, टीवी में ऐड आ गया, वो भी कवर हो गया। टेली कम्यूटिंग, टेली मेडिसिन, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन रिसर्च एंड ऑल रिलेटेड डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज, वेदर कंडक्टेड बाय ईमेल, मोबाइल डिवाइसेस, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, वॉइस डेटा ट्रांसमिशन और अदरवाइज, किसी भी प्रकार से। सो एक हिसाब से देखो तो कुछ छूटा ही नहीं। तो अगर कुछ भी कर लिए उनने, भारत के व्यक्तियों के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन कर लिए, तो खत्म हो गए, वो आ चुके हैं इसमें फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में, ठीक है। कई बार होता है बाहर की जो कंपनीज है वो लोग काम यहाँ पे आउटसोर्स करते हैं, सिर्फ छोटे मोटे काम, वहाँ पे बहुत महंगा है लेबर वगैरह, तो इसीलिए जैसे एक्सेल में कुछ एंट्रीज करवाना है या कोई भी अकाउंटिंग का काम है, तो वो क्या करते हैं, वहाँ से फ़ोटोज़ लेके यहाँ पे भेज देते और यहाँ पे डेटा एंट्री वाले उसकी एंट्री करके उनको वापस भेजते, तो वो भी फॉरेन कंपनी में कवर हो जाएगी, ठीक है। और ख़ास बात ये है, यहाँ वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट यूज़ किया है, तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो भले ही वो कंपनी नहीं होगी, बाहर के जो लॉ है उसके हिसाब से वो बॉडी कॉर्पोरेट है, जैसे LLP है बाहर की, तो वो भी हमारे लिए कंपनी कहलाएगी। तो वो बोलेगी नहीं नहीं मैं तो LLP हूँ, हम बोलेंगे नहीं नहीं तू कंपनी है, तो हमारे लिए वो कंपनी है, ठीक है। तो क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट बोला है, तो आइदर कंपनी या कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी, तो फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट भी भारत में अगर कार्य कर रही है, तो ऐसे केसेस में इट विल बी कॉल्ड एज अ फॉरेन कंपनी। तो सिंपल है। अब एक एक्स्ट्रा की बात बता देता हूँ मैं आपको, फाइनल लेवल पे काम आएगी, ध्यान रखना, भूलना मत। कई बार आप देखेंगे फाइनल लेवल पे ऐसा एक कंसेप्ट आता है, वाइंडिंग अप ऑफ अनरजिस्टर्ड कंपनीज, तो वो समझते ही नहीं है बच्चों को कि क्या हो रहा है वाइंडिंग अप ऑफ अनरजिस्टर्ड कंपनी, कि अनरजिस्टर्ड कंपनी है तो कैसे बंद हो रही। तो अनरजिस्टर्ड कंपनी है ना, यही हो गई फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी भारत में रजिस्टर्ड है क्या? तो नहीं है, सिर्फ काम कर रही है वो, बट जब वो यहाँ से काम करना बंद कर देती है तो उसको भी वाइंडिंग अप की कुछ प्रोसेस है वो पूरी करना पड़ता है। तो वो आप फाइनल लेवल पे पढ़ोगे, अभी फिलहाल नहीं है, बट ये फाइनल में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो समझते नहीं कि ये क्यों हो रहा है, तो ऐसे कैसे अनरजिस्टर्ड है तो कैसे बंद हो रही कंपनी, तो वो ऐसी कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो ये अभी नहीं लगेगा, आगे लगेगा आपको, ठीक है। आगे दिया है बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स कंपनीज, LLPs, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंपनीज, सब कवर हो जाएगा। अदर देन कंपनीज लाइक LLP, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया या फॉरेन कंपनी, सब कवर हो जाएगा। प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये डिटरमाइन करता है कि क्या वो फॉरेन कंपनी है या भारत की कंपनी है। अगर फॉरेन की कंपनी है एप्पल इनकॉर्पोरेशन, बट उसने भारत में एक कंपनी बना ली एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो ऐसे केसेस में एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट अ फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भारत की कंपनी हो गई, बिकॉज इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो अगर वो रजिस्टर हो गई भारत के एक्ट में, भले ही वो सब्सिडरी बना के करें, तो ऐसे केसेस में दैट विल बी कॉल्ड एज एन इंडियन कंपनी और वो फॉरेन कंपनी में नहीं कवर होगी, ठीक है। दस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वुड बी रिगार्डेड एज फॉरेन कंपनी, इवन दो ऑल द मेंबर्स माइट बी इंडियन सिटीजन्स। तो भले ही पूरे मेंबर्स जो है वो भारत के हैं, लेकिन वो अगर बाहर रजिस्टर हुई है तो बाहर की कंपनी हो गई, ठीक है। जैसे फ्लिपकार्ट को किया था इन्होंने, तो फ्लिपकार्ट को सिंगापुर में रजिस्टर किया था,
और फिर भारत के उसके मेंबर्स थे, तो सचिन और बिन्नी बंसल जब इन्होंने फ्लिपकार्ट बनाया था तो सिंगापुर में रजिस्टर किया था और उसके बाद काम पूरा यहाँ से चालू किए थे। तो ऐसे केस में वो भी फॉरेन कंपनी है, तो फ्लिपकार्ट जो थी वो फॉरेन में कवर होती थी, ठीक है। बट फिर अभी तो काफ़ी कुछ चेंजेस हो चुके हैं, खैर अभी तो उन लोगों ने अपनी शेयर होल्डिंग भी बेच दी है और मस्त अमीर हो गए। होता है, अभी झगड़े भी चल रहे हैं कुछ ना कुछ अमेज़ॉन वगैरह के साथ। तो फ्लिपकार्ट के, अमेज़ॉन तो खैर बहुत ही बड़ी कंपनी हो जाती एक्चुअली। ये जो इन दोनों ने पहले अमेज़ॉन में काम किया था, उसके बाद वैसा का वैसा उन्होंने सोचा कि अपन ये भारत में भी कर सकते हैं, और भारत में फिर उन्होंने ये चालू किया। अल्टीमेटली ऑपरेशंस पूरे बैंगलोर से होते थे और कंपनी रजिस्टर्ड बाहर थी, तो प्लेस ऑफ इनकॉरपोरेशन बाहर था। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चलते किया था, वहाँ पे एक दिन में कंपनी बन जाती है 4 घंटे में। और जब फ्लिपकार्ट बनी थी तो भारत में इतने जल्दी नहीं बनती थी कंपनी, आज भारत में भी बन जाती है एक दिन में। तो आज वो वन डे में इनकॉरपोरेशन, जैसे आज आपने किया तो कल तक के नंबर भी आ जाता है। तो अगर कुछ गड़बड़ नहीं है, गलतियाँ नहीं है, तो तुरंत अगले दिन आपको कंपनी का इनकॉरपोरेशन सर्टिफिकेट वगैरह सब आ जाएगा। तो अपने आप ही अभी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के चलते जल्दी बन रही है, बट उस ज़माने में नहीं बनती थी, उस ज़माने में टाइम लगता था। तो इसलिए वो बाहर रजिस्टर किया था, और थोड़ा बहुत टैक्सेशन के भी लॉस थे उसके चलते भी किया गया था कि भारत के बाहर रजिस्टर्ड है। बट अभी तो वो आप पढ़ोगे, पोएम वाला एक कंसेप्ट आया, पढ़ा होगा शायद आपने, पढ़ोगे अभी रेसिडेंशियल स्टेटस जब पढ़ोगे, उसमें एक है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो उसमें चेंजेस ऐसी कंपनीज को कवर करने के लिए किया है, आप जब पढ़ोगे तो उस एंगल से सोचना। कई बार क्या करती थी कंपनी, बाहर रजिस्टर होती थी और बोलती थी हम तो बाहर के हैं, हम तो नॉन रेसिडेंट में कवर होते हैं। तो उन्होंने डेफिनेशन चेंज किया और बोला भले ही आप बाहर के हो, लेकिन आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है। तो उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बैंगलोर में था, तो इसीलिए उनको यहाँ पे पूरा रेसिडेंट मान के टैक्स दिया जाता है। तो ऐसा देखोगे आप, बहुत सारी चीज़ें उसमें रहेगी। तो बदलाव किए जाते हैं, और हर बदलाव के पीछे एक रीज़न होता है। जो भी बदलाव होगा कोई भी कानून में, तो रीज़न होगा तभी तो चेंज करेंगे। उनको ऐसा मज़ा थोड़ी आता है कि चलो चेंज करते, बच्चों को पढ़ने को नया मिलेगा, ऐसा नहीं होता। तो कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है तभी बदलाव होते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, फिर कंपनीज एक्ट लेज डाउन सर्टन स्पेशल प्रोविजंस एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनी इफ सीजेस टू कैरी ऑन बिजनेस इन इंडिया मे बी वाउंड अप एज एन अनरजिस्टर्ड कंपनी, ठीक है। तो सिंपल है, सो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपका ये, बट फिर भी आप देख रहे हैं अपन थोड़ा डीप में पढ़ रहे हैं। फाउंडेशन में ऐसे ऊपर ऊपर कुछ तो भी फॉरेन कंपनी पढ़ लिया था, अभी थोड़ा डीप में जा रहे हैं अपन। होल्डिंग और सब्सिडरी तो बहुत ही आसान है, बचपन में इतने अच्छे से आपने इसको याद रखा था, फिर भी देख लेते हैं। इसके साथ आपको एक और सेक्शन है, वो पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखेंगे हम सेक्शन नंबर 19। तो आपको होल्डिंग सब्सिडरी आने के चांस कम है, बट सेक्शन 19 जो आएगा वो पूछ सकते हैं आपको, केस स्टडी के रूप में वगैरह पूछा जा सकता है। तो देखते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 46 डिफाइन करता है होल्डिंग कंपनी को, और क्लॉज 87 सब्सिडरी कंपनी को। दोनों रिलेटिव डेफिनेशंस है, रिलेटिव मीन्स दोनों रिश्ते में एक दूसरे के कुछ लगते हैं, तो एक होल्डिंग दूसरा सब्सिडरी, ऐसा है। एक बार ऐसे ही हुआ था, एक बार एक रिक्शे में ये आ रहे थे, क्या नाम है, अमिताभ बच्चन, बताया था क्या मैंने आपको? अच्छा, अमिताभ बच्चन आ रहे थे रिक्शे में, और जया बच्चन और अभिषेक बच्चन खड़े थे। तो ऐसे केस में जया बच्चन अभिषेक बच्चन को क्या बोलेगी? हाँ वो बोलेगी रिक्शे में तो वो तुम्हारे बाप लगते हैं रिक्शा। अरे ठीक है ठीक है, क्या बकवास है। हाँ तो ऐसा होता है कभी कभी। आपके यहाँ पे अभी बहुत सारी चेंजेस होने वाले हैं, यहाँ कैमरा लगने वाला है। कल ही अपन बात कर रहे थे, शायद किसी ने वीडियो देखा होगा तो लगा होगा अरे हाँ कैमरे नहीं है इधर, तो अभी कैमरा लगने वाले हैं। अच्छा है, यहाँ शायद वो मोटिवेशनल कोट्स भी लगेंगे नीचे की क्लासेस में हैं, जिन लोगों ने पहले कैब्स में पढ़ा है उनको पता होगा, सेकेंड नंबर के फ्लोर में लगे हुए हैं बहुत सारे, उसमें लगे हैं ऐसे। अच्छा है, वो कोट्स काफ़ी काम के होते हैं, कभी भी कोई भी कोट मोटिवेट कर जाता है, और सीए स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत काम के होते हैं। कभी बैठे हैं क्योंकि अपना मन इधर नहीं लगता ना, ऐसा देख रहे अपन, फिर ऐसा लगता है नेवर नेवर गिव अप, नेवर एवर एवर नेवर एवर गिव अप, फिर अपन बोलते हैं अभी हो पढ़ना है, तो ऐसा होता है। तो खैर पढ़ाई के टाइम कुछ भी इंटरेस्टिंग लगता है,
आप ऐसे लेटे रहोगे, आप पंखा देखोगे, पंखा भी इंटरेस्टिंग लगेगा गोल गोल घूमता हुआ। ठीक है चलो, खैर आगे बढ़ते। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू टू वन और मोर अदर कंपनीज मीन्स अ कंपनी ऑफ विच द कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। यानी सिंपल क्या बोला है कि होल्डिंग कंपनी यानी एक ऐसी कंपनी है जिसकी कुछ सब्सिडरी है। तो बकवास डेफिनेशन है। तो सब्सिडरी कंपनी क्या होंगी? जिसकी होल्डिंग है? नहीं, वैसा नहीं है, यहाँ थोड़ा अलग है। एक्सप्लेनेशन में बोला है कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट, तो बॉडी कॉर्पोरेट भी कवर होगी। ठीक है, इसका भी रीज़न मैंने आपको फाउंडेशन में ही बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता दूंगा। सब्सिडरी कंपनी क्या है? तो सब्सिडरी कंपनी मीन्स जिसको कंट्रोल किया जा रहा। एक कंपनी है समझो एक्स लिमिटेड, ये वाई लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है। जो एक्स है, एक्स के हाथ में कंट्रोल नहीं रहे तो ही अच्छा होता है। ठीक है चल, तो कंट्रोल कर रही है। सो एक्स वाई को कंट्रोल कर रही है। सो कंट्रोल कैसे हो सकता है? दो प्रकार से हो सकता है, या तो टोटल वोटिंग पावर से, यानी मोर देन 50% ऑफ इक्विटी शेयर्स होल्ड कर दिए, शेयर होल्डिंग इक्विटी शेयर वोटिंग पावर वाले। ठीक है, या तो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करो। क्योंकि कंपनी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप? कंपनी के दो हिस्से होंगे, पहले तो जो उसको बनाने वाले लोग हैं, फिर कंपनी खुद और उसको चलाने वाले लोग। तो कंपनी को कंट्रोल करना है तो या तो इनको कंट्रोल कर लो तो आप कंपनी को कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि ये लोग पूरा उसको चला रहे हैं, या तो इनको कंट्रोल कर लो तो आप कंपनी को कंट्रोल कर पाओगे। तो वही दो चीज़ें बताई गई है, या तो आप टोटल वोटिंग पावर कंट्रोल कर लो या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर लो। तो इस प्रकार से कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा सकता है। यहाँ बोला गया है मोर देन 50%, ठीक है, ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। यहाँ 51% नहीं है, तो 50% से ज़्यादा हो गया तो भी कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, 10,000 शेयर थे, 5,001 हो गया तो कंट्रोल आ गया। तो यहाँ 5,100 की ज़रूरत नहीं है, जैसे गवर्नमेंट कंपनी में था, वहाँ 5,100 था, यहाँ 5,001 से भी कंट्रोल आ जाएगा। सो ऐसा है सिंपल। अब आगे ये और भी चीज़ें बताता है सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन। ये भी बताती है कि अगर एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये वाई लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है, और वाई लिमिटेड जेड लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है, तो ऐसे केसेस में जेड लिमिटेड भी सब्सिडरी ऑफ एक्स बन जाएगी, एक्स भी एंड वाई भी। ठीक है, दोनों के सब्सिडरी बन जाएगी, सिंपल। तो ये भी आपको पता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। सो ज़रूरी नहीं डायरेक्ट कंट्रोल हो, इनडायरेक्ट कंट्रोल भी चल सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही है, जैसे कि ये आपकी सुनती नहीं लेकिन ये उसकी बेस्ट फ्रेंड है जो आपकी सुनती है। अब आपको इसको मूवी लेके जाना है तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इसको कि चल इसको बोल मूवी चलने, आप इनडायरेक्टली बोलेंगे। तो आपका खर्चा ज़रूर बढ़ेगा क्योंकि आप इसको भी ले जाओगे, इसको भी, दोनों को मूवी लेके जाओगे। बट यहाँ पे जो जेड है, जेड वाई का सुनती है, वो मना नहीं करेगी, और वाई जो है ये आपका सुनती है, बस इनडायरेक्ट कंट्रोल हो गया। ठीक है, तो ऐसा कर सकते, करना नहीं ऐसा, फालतू खर्चा बढ़ता है। खैर छोड़ो, मेरे को पता नहीं, मैं तो सीधा सा दूँ तो खैर ठीक है चलो। आप लोग ऐसे हंसते ना, ये सब रिकॉर्ड होता है इसमें। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे ऑफिस में कोई देख रहा मेरे वीडियो ही, तो फिर मेरे को ही देख के हंसी आ जाती फिर कभी कभी तो, हाँ होता है ऐसा। तो मेरे को ऐसा लगता है यार मैं ऐसा ये सब बोलता हूँ, कुछ भी वो एक्सटेम्पोर होता, अपने आप निकल आती। मेरी क्लासेस प्लान नहीं होती, आप देखेंगे कोई भी प्लान नहीं होती, जैसा है अपन साथ साथ चल रहे बस ऐसा होता। ऐसा प्लानिंग नहीं होती कि ये टाइम पे ये पढ़ाऊंगा, ये टाइम पे ये पढ़ाऊंगा, ऐसा एकदम लाइन से नहीं रहता। तो हो सकता है कि मैंने कोई क्लास में कोई जोक मारा, दूसरे में दूसरा दिया, तो एग्जाम्पल भी वैसे ही होते हैं, एक क्लास में कोई एग्जाम्पल, दूसरे में दूसरा, तो हो सकते हैं। बट हाँ, कंसेप्ट वाइज आप देखेंगे कोई ऐसे कंची नहीं मारते अपन, तो एग्जाम्पल आपको अलग मिल सकते हैं बट रहेंगी पूरी चीज़ें, ऐसा है।
एक्सटेम्पोर होता है। हाँ, सो यहाँ पे एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को कंट्रोल कर सकती है और वाई लिमिटेड जेड को कंट्रोल कर सकती है, तो ऐसे केसेस में एक्स लिमिटेड जेड को भी कंट्रोल कर सकेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर ये जेड के आगे भी जाते हैं, जेड के आगे एक और आ गया डब्ल्यू, तो क्या यहाँ डब्ल्यू भी सब्सिडरी मान ली जाएगी ऑफ एक्स लिमिटेड? तो कानून बोलता है नहीं, लेयर्स दो तक ही होना चाहिए। ये फर्स्ट लेयर हो गई, ये सेकेंड लेयर हो गई। डब्ल्यू वाई की सब्सिडरी होगी, जेड की होगी, बट एक्स की नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अगेन समझो, बिल्कुल सेम चीज़ है, एक्स लिमिटेड है, ये वाई लिमिटेड के 100% शेयर्स होल्ड कर रहा है, वाई जेड लिमिटेड के समझो 60% शेयर्स होल्ड कर रहा है, और जेड डब्ल्यू लिमिटेड के समझो 70% शेयर्स होल्ड कर रहा है। अब क्या डब्ल्यू लिमिटेड एक्स की सब्सिडरी हो जाएगी? द आंसर इज यस, क्योंकि जब आप लेयर्स काउंट करेंगे, आप जो होल्ली ओन्ड सब्सिडरीज हैं ये लेयर्स को इग्नोर करेंगे, ये लेयर नहीं मानी जाती, क्योंकि यहाँ कंट्रोल डायल्यूट नहीं हो रहा, 100% कंट्रोल है, तो इसीलिए इसमें आप लेयर को काउंट नहीं करेंगे। तो आपके लिए सिर्फ ये लेयर हुई, ये लेयर हुई। ठीक है, तो दो ही लेयर्स हुई। हाँ, 90% में नॉर्मली माना जाएगा, सिर्फ होल्ली ओन्ड सब्सिडरी में रूल लगता है। हाँ, फिर काउंट होगी, जैसे अगर ये 90% है, 90 है, तो 90% में, 90% में ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। बट अगर ये 100% है, तो ऐसे केस में फिर ये लेयर काउंट नहीं की जाएगी डायरेक्टली, ये फर्स्ट लेयर और ये सेकेंड लेयर। ठीक है, होल्ली ओन्ड सब्सिडरी 100% होना चाहिए। आपको कभी सवाल नहीं आया 100% कैसे सब्सिडरी होगी? दो मेंबर तो लगते हैं, ऐसा नहीं आता कभी? साइंस वालों का आया होगा, मेरे को ऐसा आता था, मैं जब पढ़ता था ना, मेरे को यही आता था, यार होल्ली ओन्ड कैसे हो सकती है? क्योंकि अगर ये कंपनी है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता 100% ये होल्ड कर रहा है, दो जन तो कम से कम लगेंगे, तो ऐसे सवाल आना चाहिए, मेरे को आते थे बचपन में। तो ये कैसे कंट्रोल किया जाता है? तो नॉमिनीज के थ्रू किया जाता है, जैसे ये शेयर्स रखेंगे और कुछ शेयर्स एक डायरेक्टर को दे देंगे, खुद का जो डायरेक्टर है एक्स लिमिटेड का, उसको बोलेंगे कि तुम इसके शेयर्स होल्ड करो, तो इस प्रकार से नॉमिनीज के थ्रू कंट्रोल करते हैं फिर। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, तो 100% सब्सिडरीज होती है, जैसे कि बाहर की जो कंपनीज है वो लोग 100% सब्सिडरी बना के भारत में जनरली काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। फिर और भी रूल्स थे, याद होंगे आपको, ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड के 50% शेयर्स होल्ड करती है, और सी लिमिटेड के 40% होल्ड करती है, फिर बी लिमिटेड सी लिमिटेड के 40% शेयर होल्ड करती है, तो यहाँ पे सी लिमिटेड ए लिमिटेड की सब्सिडरी बन जाएंगी, है कि नहीं? कि नहीं याद है कि नहीं? हाँ, 50% से ज़्यादा होना यहाँ नहीं बनेगी। सीधा ये देखना है, ए लिमिटेड जो है क्या ये बी लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है? तो नहीं है, क्योंकि 50% है, मींस यहाँ पे होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर बी ही नहीं सुनती है, तो बी ही अगर उसकी बात नहीं सुनती ए की, तो सी तो नहीं सुनेगी, तो इनडायरेक्ट कंट्रोल यहाँ नहीं आता। जब ए अगर बी को कंट्रोल कर सकता था, समझो यही ज़्यादा होता, समझो ये 51% होता, तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि यस, बी लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड, और फिर बी लिमिटेड 40% कंट्रोल करेगी, ए लिमिटेड 40% कंट्रोल करेगी, और सी लिमिटेड को कंट्रोल किया जा सकेगा। बट ये अगर 50 हो जाता है, 51 नहीं होता, 50 होता है, तो यहाँ पे फिर कंट्रोल नहीं आएगा। ठीक है, तो 50% नहीं चलेगा, 50% से ज़्यादा होना, अगर सिर्फ 50% है तो कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आपका रूल क्या बोलता है, या तो आप डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते या थ्रू सब्सिडरी कर सकते। तो पहली चीज़ तो ये देखना है, क्या ये सब्सिडरी है? इन दिस केस ये सब्सिडरी नहीं है, क्योंकि 50% है, 50% से जब ज़्यादा होगा तब जाके सब्सिडरी बनेगी। ठीक है, तो ऐसा है।
यही जब गवर्नमेंट कंपनी पढ़ते हैं ना, गवर्नमेंट कंपनी में 51% बोला है, 51% और मोर, तो वहाँ 51 भी चलता है, 51 से ज़्यादा नहीं होना, 51 भी चलता है, बट यहाँ 50 नहीं चलता, 50 से ज़्यादा होना, ठीक है, तो ऐसा है, देखते हैं। और भी केसेस है, आपको आते हैं एग्ज़ाम में, फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं, ये भी बता ही देता हूँ। ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड को कंट्रोल करता है और सी लिमिटेड को कंट्रोल करता है, और फिर बी और सी मिलके डी लिमिटेड को कंट्रोल करते हैं, तो डी लिमिटेड भी ए की सब्सिडरी बन जाएगी। सिंपल, ये भी पढ़े थे आपने बचपन में। तो ये कंट्रोल कैसे हो सकता है, आइदर थ्रू शेयर होल्डिंग या फिर बाय कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या मतलब है, तो अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड के डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है और रिमूव कर सकती है, दैट मीन्स वो कंपोजिशन को कंट्रोल कर सकती है। सीधी सी बात है कि मुझे अगर कोई अपॉइंट कर सकता है तो मैं उसकी सुनूंगा, या नहीं तो वो मेरे को निकाल देगा। तो वैसे ही यहाँ पे अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड के डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है, कई बार होता है ऐसा, जैसे इंटर कॉर्पोरेट लोन लेते हैं, तो बी लिमिटेड ने कुछ लोन लिया था समझो ए लिमिटेड से, तो ए लिमिटेड उसको बोलेगी कि तुम्हारे जो डायरेक्टर्स है उसमें 51% यानी 50% से ज़्यादा डायरेक्टर्स हमारे द्वारा अपॉइंटेड होंगे। तो ऐसा भी बोलते हैं, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स के केस में कई बार ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है कि जब तक के तुम्हारा ये लोन है तो वो लोन जब तक नहीं रिपे होता तब तक हम जो डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे वो भी आपके पैनल पे रहेंगे, मोर देन 50%। अगर मोर देन 50% डायरेक्टर्स को हम अपॉइंट कर सकते हैं तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे कंट्रोल है, ठीक है। तो यहाँ भी 100% डायरेक्टर्स हो ये ज़रूरी नहीं, तो 10 डायरेक्टर्स में 6 डायरेक्टर्स अगर हम अपॉइंट कर सकते हैं तो ऐसे केस में हम बोलेंगे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 51 हो गया ना, ये वाला ये कितना होता, हाँ ये 51 हो गया, फिर हाँ तो कुछ नहीं होता इसमें, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ नहीं करना है, सीधा देखना है आपको, सीधा देखना है क्या ये सब्सिडरी है, अगर हाँ तो फिर ये दोनों को सीधा जोड़ देना है, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं करना, समझा समझा, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 40 और 25 है हो गया, तो 40 और 25 कितने होते हैं, 65 हो गए, तो 65% कंट्रोल हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि 51 मल्टीप्लाई बाय 40, ऐसा कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। नहीं वो आता है कई बार दिमाग में, तो ऐसा लगता है कि ये तो फिर इतना पूरा कंट्रोल तो नहीं रहता, लेकिन फिर भी अपने को जो रूल बोलता है सीधा सीधा क्या है, ये सब्सिडरी है तो हम मान लेंगे कि ये सुनेगी, हम ये नहीं मानेंगे 50% ही सुनेगी, 51% हम सीधा मानेंगे वो सुनेगी, ठीक है। तो जैसे ही 51% हुआ तो ये कंट्रोल में है बोलेंगे, और ये कंट्रोल में है तो हम 25% खुद का कंट्रोल अपनाएंगे और 40% इसका कंट्रोल यूज़ करेंगे और इसको मूवी लेके चले जाएंगे, तो हाँ, तो यानी वो इसका भी पूरा नहीं सुनती, आपका भी पूरा नहीं सुनती, लेकिन दोनों से थोड़ा थोड़ा सुनती है और उसको थोड़ा मनाएंगे तो अपनी बात सुन लेगी, होता है ऐसा, ठीक है। जैसे जैसे सिखाना पड़ता है आजकल, ठीक है, जाने तो नहीं, मेरे को डर लगता, पेरेंट्स भी देखते हैं आजकल वीडियो, हाँ आते कभी 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 फ़ोन आते, अरे सर हमने आपका वीडियो देखे तो बहुत ही बढ़िया था, उस दिन एक ने बोले भी थे पवन सर के लिए, पवन सर का वीडियो देखे तो बहुत ही बढ़िया बता रहे थे आप, किसी एक पेरेंट ने बोले थे ना, वो मार्केटिंग वाले जो थे बोले थे ना, हाँ पूजा के पिताजी थे, तो उन्होंने बोले थे, तो उन्होंने सुने होंगे, तो ऐसा मेरे को डर भी लगता है अपन बता रहे, अरे ठीक है चलते हैं, अभी तो राहुल सर आने के हैं, वो देखना क्या क्या बताते फिर, चलो ठीक है आगे बढ़ते। तो सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी दैट इज टू से अ होल्डिंग कंपनी, तो ये रिलेटिव डेफिनेशन है, मीन्स अ कंपनी इन विच अ होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और exercises or controls more than one half of the total voting power either at its own or together with one or more of its subsidiaries।
तो यहाँ पे बोला है या तो खुद होके या साथ में, पर यहाँ पे ये नहीं बोला है कि सिर्फ सब्सिडरी ने होल्ड किया तो क्या होगा, वो नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ लिखा है टुगेदर, टुगेदर मीन्स होल्डिंग प्लस सब्सिडरी मिला के। बट आगे एक्सप्लेनेशन में ये बताया है कि कंट्रोल जो है ये सिर्फ सब्सिडरी का भी रहा तो भी यहाँ पे होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप आएगा। तो अगर आप यहीं तक डेफिनेशन पढ़ेंगे सिर्फ ऊपर तक, तो उसका मतलब है ये सब्सिडरी नहीं बनती, अगर सिर्फ वहाँ तक पढ़ते तो, क्योंकि टुगेदर बोला है यानी खुद और ये मिला के। समझ रहा क्या, थोड़ा डीप में जा रहा हूँ मैं, तो वैसे नहीं भी गए तो चलता है बट कभी कभी मैं बताता हूँ। तो अगर सिर्फ डेफिनेशन पढ़ो तो उसमें बोला है टुगेदर विद, तो मिल के होना चाहिए। लेकिन एक्सप्लेनेशन में फिर क्लैरिफाई किया उन्होंने कि अगर सिर्फ सब्सिडरी का भी यहाँ पे कंट्रोल होगा, सब्सिडरी दूसरे को सब्सिडरी बना रही है, सब सब्सिडरी, इसको चेन होल्डिंग्स बोलते हैं। तो जब चेन होल्डिंग होगी तो ऐसे केसेस में कंट्रोल मान लिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ए अगर बी को कंट्रोल कर रही और बी सी को कंट्रोल कर रही तो यहाँ सी सब्सिडरी बन गई। अगर ये नहीं लिखा होता तो ये सब्सिडरी नहीं बनती थी, क्योंकि ऊपर जो लाइन पढ़ते हैं इसके हिसाब से सिर्फ ये बनता है कि ए अगर बी को कंट्रोल कर रहा और ए बी के साथ मिलकर सी को कंट्रोल कर रहा तो सी सब्सिडरी बनेगी। समझ रहा क्या कुछ? ठीक है, जाने दो, नहीं समझा तो ठीक है चलेगा, थोड़ा कभी कभी मैं इंटरप्रिटेशन पे चले जाता हूँ। तो एक्सप्लेनेशन में क्लैरिफाई किया है कि सिर्फ सब्सिडरी की भी शेयर होल्डिंग होगी तो भी चलेगा, क्योंकि ऊपर वर्ड था टुगेदर, ओन या टुगेदर मिलके, तो यहाँ मिलके नहीं है क्योंकि यहाँ तो ए की होल्डिंग ही नहीं है, बट फिर भी ये सब्सिडरी में कवर हो रहा क्योंकि एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, फिर कंपोजिशन का क्या मतलब है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मींस आप मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अगर अपॉइंट रिमूव कर सकते हैं तो। कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट, तो ये ऊपर अमेंड किया गया, यहाँ पे ये नहीं लिखा था एक्सप्लेनेशन, ये डाला गया कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट। उसका रीज़न मैंने बताया था वैसे फाउंडेशन में, फिर से बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, जैसे समझो एक अलीबाबा लिमिटेड है, ये भारत में एक कंपनी बनाती है, होली ओन्ड सब्सिडरी बाबा लिमिटेड। अब यहाँ पे ये जो है ये होल्डिंग कंपनी के डेफिनेशन में नहीं कवर होती थी पहले, जब तक ये अमेंडमेंट नहीं हुआ था। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि अलीबाबा लिमिटेड ये हमारे लिए कंपनी नहीं है, ये फॉरेन में रजिस्टर्ड है, ये चाइना की कंपनी है, तो ये हमारे लिए कंपनी नहीं है। और यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन अगर नहीं है दैट मीन्स ये होल्डिंग कंपनी में नहीं कवर होती। समझ रखे कुछ, यहाँ सिर्फ कंपनी वर्ड यूज किया है, समझा कुछ? फिर से बताता हूँ, अलीबाबा लिमिटेड रजिस्टर्ड है चाइना में, तो क्या वो हमारे लिए कंपनी है? नहीं, हमारे लिए कंपनी वो होती है जो भारत में रजिस्टर्ड है, क्योंकि ये भारत में रजिस्टर्ड नहीं है तो ये हमारे लिए कंपनी नहीं है। अब होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन बोलती थी कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी कोई सब्सिडरी है, तो ये होल्डिंग कंपनी के लिए ये सब्सिडरी में कवर नहीं होती क्योंकि ये कंपनी च नहीं है। और इसीलिए अमेंड किया और बोला कि कंपनी विल इंक्लूड इवन दी बॉडी कॉर्पोरेट, तो बॉडी कॉर्पोरेट भी कवर होगी। अब ये अलीबाबा लिमिटेड आपके लिए कंपनी नहीं है बट ये बॉडी कॉर्पोरेट ज़रूर है और इसीलिए ये डेफिनेशन में कवर होती है। ठीक है, वैसे इस पर झगड़ा होना नहीं चाहिए था बट क्लैरिफिकेशन के लिए अमेंडमेंट किया गया, ताकि ऐसा ना हो कि फॉरेन कंपनी ये बोल दे कि मैं तो कंपनी च नहीं हूँ तो मैं होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप में नहीं आती, और इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया कि कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट, ये अमेंड करके डाला गया है, तो ये पहले से नहीं थे पॉइंट्स। ठीक है, तो इवन अगर ये कंपनी नहीं भी है तो भी ये होल्डिंग सब्सिडरी में कवर होगा। समझा क्या, समझ रहा कि नहीं? ऐसा ऊपर से तो नहीं जाता, समझ रहा ना? ये कुछ मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता हूँ कभी कभी। ठीक है, चलो जाऊ दिया, काय करायचं आहे आपल्याला? नोट दिया है, कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज थ्रू कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और 50% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर, सिंपल। पॉइंट टू बी नोटेड, नोट कर लो कि यही हुआ है। सिर्फ यहाँ पे ये बोला है, मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया, मिनिस्ट्री यानी MCA, दैट द शेयर्स हेल्ड और पावर एक्सरसाइजेबल बाय द कंपनी इन अनदर कंपनी इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द होल्डिंग सब्सिडरी। क्या बोल रहे हैं? तो ये बोल रहे हैं कि अगर मैं हूँ, खूब अमीर आदमी हूँ मैं,
बहुत अमीर, ऐसे 10 रुपये निकालो तो 25-30 हज़ार गिर जाते हैं, खूब अमीर आदमी हूँ मैं। अब मुझे बड़ी फिक्र है, मेरा लड़का पढ़ाई लिखाई नहीं करता, खूब फिक्र होती है मेरे को उसकी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक कंपनी बनाया, ए प्राइवेट लिमिटेड। अब मेरे पास शेयर्स है बहुत सारे, कौन सी कंपनी के, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, मेरे पास 70% शेयर होल्डिंग है, याद हो गई, ठीक है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो समझो मेरे पास 70% शेयर होल्डिंग थी, मैंने ये शेयर होल्डिंग यहाँ पे दे दिया और ये कंपनी बना के मैंने इसके डॉक्यूमेंट्स में लिख दिया, जो मेन इसके मेमोरेंडम आर्टिकल्स होते हैं, कि ये क्या काम करेगी, ये जो भी पैसा इससे कमाएगी, रिलायंस के जो शेयर से जो भी डिविडेंट आएगा, प्राइस एप्रिसिएशन होगा, ये किसके लिए यूज़ करना, तो मेरे लड़के के लिए यूज़ करना है। ये हो गया एक ट्रस्ट, ट्रस्ट पता है आपको, पढ़े थे बचपन में। तो ट्रस्ट में एक प्रॉपर्टी होती है, शेयर्स प्रॉपर्टी, ये दी गई दूसरे व्यक्ति को और बोला गया इससे आने वाले बेनिफिट्स इसके लिए यूज़ करना, यानी ये बेनिफिशरी, ये ऑथर, इसको ही सेटलर भी बोलते हैं, इसको फाउंडर भी बोलते हैं, और ये हो गई ट्रस्टी। अब क्या होता है, यहाँ पे मैंने ये जो प्रॉपर्टी है इसके पास रखा, बट क्या ये ए प्राइवेट लिमिटेड के लिए है, क्या वो उसके खुद के लिए है, खुद यूज़ कर सकती है, तो नहीं, वो यूज़ करना है उसको, जो भी बेनिफिट्स आएंगे वो पूरे बेनिफिट्स बेनिफिशरी को देना है। तो यहाँ पे अगर पूरे बेनिफिट्स ये इधर देना है, दैट मींस ये तो सिर्फ रिलेशनशिप, फ्यूडिशरी रिलेशनशिप में होल्ड कर रही है, मीन्स यहाँ पे इसका खुद का कंट्रोल है ही नहीं, भले ही ये रिलायंस के शेयर्स होल्ड कर रही है 70%, तो 70% अगर होल्ड करे तो वैसे तो हो जाता है कंट्रोल, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये खुद के नाम से होल्ड नहीं कर रही, ये होल्ड कर रही है ओनली एज अ ट्रस्टी। तो ये वाले केस में ए प्राइवेट लिमिटेड विल नॉट बी कंसीडर्ड एज द होल्डिंग कंपनी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। जनरल रूल के हिसाब से देखते अगर, तो ए प्राइवेट लिमिटेड के पास अगर 70% शेयर होल्डिंग है तो सब्सिडरी का रिलेशन आ जाता है, बट यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया, अगर ये सिर्फ फिड्यूशरी कैपेसिटी में होल्ड करती है, दैट मीन्स एज अ ट्रस्टी होल्ड करती है, सिर्फ भरोसे के ऊपर इनको शेयर्स दिए गए हैं, तो ऐसे केसेस में इट विल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो सिंपल, तो ये एक्चुअल में होल्ड तो कर रही है, बट ये किसके लिए कर रही, इसके लिए, ठीक है, मैंने बोला था तो मेरे बोलने पर होल्ड किया जा रहा है, तो ये फिड्यूशरी रिलेशन बोलते हैं, फिड्यूशरी का मतलब होता है भरोसे का संबंध, तो भरोसे के ऊपर दिया गया। तो ट्रस्ट ऐसे भी बना सकते हैं आप, तो ट्रस्ट में आप या तो एक नेचुरल पर्सन भी बना सकते हैं, या आप एक कंपनी बना के भी ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप आगे देखोगे, आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बना के एक पब्लिक ट्रस्ट भी बना सकते हैं, जैसे ये जो ट्रस्ट है ना, ये बड़े लेवल पे जब काम करती है, जिसमें बेनिफिशरी इज नॉट आइडेंटिफाइड, ये प्राइवेट ट्रस्ट है। प्राइवेट ट्रस्ट मीन्स जब मैंने अपने घर वाले किसी के बेनिफिट के लिए बनाया था, तो ये प्राइवेट ट्रस्ट है। पब्लिक ट्रस्ट में क्या होता है, पब्लिक ट्रस्ट में बेनिफिशरी इज नॉट एन आइडेंटिफाइड पर्सन। ये जो, अगर ये पब्लिक ट्रस्ट होती तो यहाँ पे ये पब्लिक में से कोई व्यक्ति होते, जैसे कैंसर पीड़ितों की मदद करने को बनाया मैंने, वैसे ही होगा, मैं कुछ प्रॉपर्टी दूंगा यहाँ पे और इनको बोलूंगा जो भी पैसा आएगा ये कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए लगाना, लेकिन ये आइडेंटिफाइड नहीं है, ये पब्लिक में से कोई लोग हैं, तो ये पब्लिक ट्रस्ट कहलाती है, जहाँ पे बेनिफिशरी पब्लिक है, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है। सो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत अभी देखेंगे, थोड़ा बहुत आपको सेक्शन 8 कंपनी में मैं बताऊंगा कि आप ट्रस्ट वगैरह बना सकते हैं अंडर सेक्शन 8। बाकी इस साल कुछ नहीं, आपको फाइनल लेवल में डायरेक्ट टैक्स में आपको पढ़ना रहेगा, तो फाइनल लेवल में आप जब डायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे उसमें आपको ये चीज़ें रहेगी कि ट्रस्ट वगैरह में कैसे क्या टैक्सेशन वगैरह लगता है, तो इस साल नहीं है, ठीक है। बट फिर भी ट्रस्ट का कंसेप्ट ये सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रस्ट ये है, जब मैंने किसी एक व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी दे दिया और उससे बेनिफिट्स आने वाले इसको बेनिफिशरी को देना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल। अब ये जो लिखा गया इसके पीछे भी रीज़न है, क्या रीज़न है,
ये रीज़न मैंने वैसे फाउंडेशन की कुछ बैचेस में बताया हूँ, कुछ बैचेस में नहीं बताया, ज़रूरत नहीं थी, तो कुछ लोगों को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा, बट बता देता हूँ। ये जो एक्सेप्शन रखा गया है ये इसीलिए रखा गया क्योंकि जब डिपॉजिटरी की बात होती है, एक डिपॉजिटरी होती है, नाम सुना होगा आपने, सुना है नाम, CDSL, NSDL, ऐसा कुछ सुना है, CDSL, NSDL, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी होती है। जितनी भी कंपनीज है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जैसे कूल इंडिया है, जैसे जितनी भी कंपनीज है, टाटा मोटर्स है, तो ये सब कंपनीज क्या करती है, अपने शेयर्स डिपॉजिटरी को देती है, सभी कंपनीज। यहाँ पे इन लोगों के, जैसे टाटा मोटर्स है, इसके पास एक रजिस्टर होता है जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, आगे फिर से बताऊंगा जब हम ट्रांसफ़र वगैरह पढ़ेंगे, मेंबरशिप पढ़ेंगे, बट अभी बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूँ। इसमें क्या लिखती है, इसमें मेंबर्स का नाम लिखा होता है। अब यहाँ पे क्योंकि टाटा मोटर्स ने शेयर्स किसको दिए, NSDL या CDSL को, डिपॉजिटरी को, तो यहाँ पे नाम लिखा रहेगा CDSL या NSDL का, दोनों को दिए तो वैसा लिखा होगा। अब यहाँ पे डिपॉजिटरी क्या करती है, थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट DP होते हैं, ये कौन है, ये एजेंट होते हैं, एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी, जैसे शेर खान हो गया, शेर खान यानी शेयर ब्रोकिंग वाला, जैसे एंजल ब्रोकिंग हो गया, ICICI डायरेक्ट हो गया, तो ये क्या है, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स करके काम करते हैं। मीन्स ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हम जैसे आम पब्लिक के डीमैट अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, तो हम लोग अकाउंट्स खोलते हैं इनके पास, और इन लोग जो शेयर्स हैं, जैसे ट्रेडिंग वगैरह करना है तो हम इनको ऑर्डर देंगे, ऑर्डर इधर आएगा, जैसे मेरे को बेचना है, इसको खरीदना है, तो मैं ऑर्डर दूंगा, ये ऑर्डर देगा, और शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिपॉजिटरी भी एक रजिस्टर मेंटेन करती है, इसको हम बोलते हैं रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स, ये जो पब्लिक है इनको हम बेनिफिशियल ओनर्स बोलते हैं। इसमें नाम लिखे होते हैं फिर सबके, ये रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर हर व्यक्ति का कंपनी के हिसाब से होगा, जैसे डिपॉजिटरी है टाटा मोटर्स का रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स बना रही है, तो उसमें टाटा मोटर्स के जो रजिस्टर है उसमें कौन कौन ओनर है ये लिखा होगा, तो इसमें मेंबर्स के नाम लिखे होते हैं, इन लोगों के नाम लिखे होंगे, तो इसमें लिखा होगा शर्मा जी हैं, गुप्ता जी हैं, पांडे जी हैं, तो ये सब इसमें लिखा होगा। अब यहाँ पे एक्चुअल में देखो तो डिपॉजिटरी कैसे एक्ट कर रही है, इट इज़ एक्टिंग ओनली एज अ ट्रस्टी, ये होल्ड तो कर रही है शेयर्स, पूरे शेयर्स इनके पास ही होते हैं, 100% शेयर्स ये होल्ड तो कर रही है, बट किसके बिहाफ पे, मेरे बिहाफ पे या पब्लिक के बिहाफ पे, तो यहाँ पे इट इज़ होल्डिंग द शेयर्स ओनली एज अ फिड्यूशरी, ओनली इन अ फिड्यूशरी कैपेसिटी। तो यहाँ पे अगर डिपॉजिटरी होल्ड कर रही है 100% शेयर्स, और अगर ये कंडीशन नहीं लिखी होती, ये जो ऊपर का एक्सेप्शन है नहीं लिखा होता, तो इससे क्या होता था कि डिपॉजिटरी जो है NSDL, ये हर कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन गई होती, क्योंकि 100% शेयर्स NSDL अगर होल्ड कर रही है तो यहाँ पे NSDL सबकी होल्डिंग कंपनी बन गई होती, बट यहाँ पे हम ये नहीं चाहते, तो NSDL होल्ड तो कर रही है बट किसके लिए, पब्लिक के लिए होल्ड कर रही है शेयर्स, तो आपके अकाउंट में फिजिकल शेयर्स नहीं आते, आपका अकाउंट होगा डीमेट अकाउंट, उसमें शेयर्स दिखेंगे कि इतने शेयर्स रखे हुए हैं, बट फिजिकली पूरे शेयर्स जो रहेंगे वो यहीं रहेंगे, डिपॉजिटरी के पास ही रहेंगे, ठीक है। सो जब भी डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इसी प्रकार से ट्रेडिंग होती है, और ये नहीं चाहते हम कि डिपॉजिटरी सबकी होल्डिंग कंपनी बन जाए, इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि अगर वो एज अ फिड्यूशरी होल्ड कर रही है, अगर सिर्फ एज अ ट्रस्टी होल्ड कर रही है, तो यहाँ पे होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा, ठीक है, तो वही दिया है। तो ये कंसेप्ट वैसे आपको है ही नहीं, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के मैं और भी कंसेप्ट्स बताऊंगा इसके ऊपर, फिर आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मैं बोलूंगा कल चल के कि मेंबर कौन होता है, उसमें डेफिनेशन में एक वर्ड लिखा रहेगा कि द पर्सन हु हैज़ बीन एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स, तो ये व्यक्ति मेंबर कहलाता है, ठीक है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखे वो तो कहलाते हैं, लेकिन जब डिपॉजिटरी में डील कर रहे हैं तो ये व्यक्ति मेंबर कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको आगे बताऊंगा मैं।
रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स, फिर से आगे जब पढ़ेंगे तो फिर से बताऊंगा, तो देखेंगे अपन। ये डिपॉजिटरी का कंसेप्ट है, इस प्रकार से पूरा डिपॉजिटरी काम करती है। सिर्फ दो ही डिपॉजिटरी है, CDSL और NSDL, जो कि कॉरपोरेशन है बनाए गए हैं, और ये कंपनी जैसे एक बॉडी कॉरपोरेट है, ये सभी कंपनीज के शेयर्स जो है ये होल्ड करते हैं, ठीक है। बट किसके लिए? पब्लिक के बिहाफ पे, ठीक है। और ये लोग एजेंट है, जैसे अपने को ट्रेडिंग करना है तो अपन इसको ऑर्डर देंगे, फिर यहाँ ऑर्डर आएगा, कोई भी ब्रोकर हो सकता है। जैसे मैंने समझो ICICI डायरेक्ट से ऑर्डर दिया, इसने एंजल ब्रोकिंग से ऑर्डर दिया, मेरे को बेचना था रिलायंस के 2000 शेयर 2000 रुपए में, इसको खरीदना था रिलायंस के 2000 शेयर 2000 रुपए में, दोनों के ऑर्डर आएंगे, ऑर्डर मैचिंग होगी और फिर शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑर्डर मैचिंग होती है। खैर ये आपको कोर्स में नहीं है बट समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो कोर्स में नहीं होते बट मैं फिर भी बताता हूँ आपको, जैसे ये वाला डिपॉजिटरी का कंसेप्ट, ठीक है। तो लिखा हुआ है ये, देखते हैं। फिड्यूशरी कैपेसिटी, फिड्यूशरी कैपेसिटी का मतलब है होल्डिंग ओनली इन द कैपेसिटी एज अ ट्रस्टी। फॉर एग्जाम्पल, वेन अ कंपनी होल्ड शेयर्स और एक्सरसाइजेस पावर्स ऑन बिहाफ ऑफ एनी इंडिविजुअल वेयर इन द कंपनी इज जस्ट अ ट्रस्टी होल्डिंग शेयर्स दैट इज इन गुड फेथ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस फॉर दैट इंडिविजुअल। तो ऐसे केसेस में होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो वो वाले शेयर्स काउंट नहीं करेंगे, तो जितने एज अ ट्रस्टी होल्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कभी कि समझो मैंने एक कंपनी बनाया ए प्राइवेट लिमिटेड, ए प्राइवेट लिमिटेड बी प्राइवेट लिमिटेड के समझो 40% शेयर्स होल्ड करती थी, और मैंने भी इसको कुछ शेयर्स एज अ ट्रस्टी होल्ड करने दे दिया 20%, तो यहाँ पे भी होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खुद के नाम से खुद के बिहाफ पे वो सिर्फ 40% ही होल्ड कर रही है, ये 20% तो मेरे बिहाफ पे होल्ड किया जा रहा है, तो ऐसे केसेस में ये काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में वो दिए ये डिपॉजिटरी का, डिपॉजिटरी एक कंपनी होती है जो शेयर्स होल्ड करती है इन ट्रस्ट, दस इट कैन नॉट बी सेड दैट इट होल्ड्स शेयर्स इन इट्स पर्सनल कैपेसिटी टू बिकम अ होल्डिंग कंपनी ऑफ ऑल द कंपनीज ऑफ हुम ही होल्ड्स शेयर्स, ठीक है, इट होना चाहिए इट होल्ड्स शेयर्स। फिर ये कुछ पॉइंट्स है, दो लेयर से ज़्यादा नहीं होना, होल्डिंग ओन सब्सिडरी है तो लेयर को काउंट नहीं किया जाएगा, सिंपल। ये आप एक बार रीड कर लेंगे, ये फिर से वही चीज़ बताई गई है जो मैंने एग्जांपल्स ऑलरेडी बता दिया हूँ, तो ये एक बार आप रीड करेंगे। डायरेक्टली हम आते हैं अब सेक्शन नंबर 19 में, इस पे आपको केस स्टडी आ सकती है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सिंपल है बहुत। सिंपल इतना बोल रहा है कि क्रॉस होल्डिंग नहीं होना चाहिए, क्या बोल रहे हैं, जैसे कि समझो ए लिमिटेड है, इसने अगर बी लिमिटेड के शेयर्स होल्ड कर दिया, कितने समझो 70%, तो यहां पे ये लिखा है सिर्फ, अब क्या हो गया, ये हो गई होल्डिंग कंपनी, ये हो गई सब्सिडरी। सेक्शन 19 ये बोलता है कि कोई भी होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी को खुद के शेयर्स नहीं देगी, क्योंकि ऑलरेडी वो बी लिमिटेड के शेयर्स होल्ड करती है, तो उसका मतलब है कि अब बी लिमिटेड ए के शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती, तो ये बताया गया है। तो सिंपल टर्म्स में अगर बोलें तो बी लिमिटेड कैन नॉट होल्ड शेयर्स इन ए लिमिटेड, यानी अ सब्सिडरी शुड नॉट होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी, ठीक है। तो क्रॉस होल्डिंग नहीं चलेगी कि ये भी इसके शेयर्स होल्ड कर रहा और फिर ये इसके शेयर होल्ड कर रहा, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। सो ये बताया गया है, बट साथ साथ में ये भी बोला है कुछ एक्सेप्शंस है इसके। तो पहली चीज़ ये है कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को शेयर्स अलॉट नहीं करेगी, बी लिमिटेड ए लिमिटेड के शेयर्स नहीं खरीद सकती, अलॉट भी नहीं करेगी, डायरेक्ट भी नहीं देंगे, ये मार्केट से भी नहीं खरीद सकती। ऐसा नहीं कि ए लिमिटेड को बोल रहा है वो कि मुझे शेयर्स दो, ए ने मना किया तो जाके बाजार से खरीद के ला लिए, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये शेयर मार्केट से सेकेंडरी मार्केट से भी नहीं खरीद सकती,
अगर इसने कुछ अलॉट किया है बी लिमिटेड को तो दैट अलॉटमेंट विल बी वॉइड एब इनिशियो, ठीक है, तो वॉइड माना जाएगा, ये लिखा है सेक्शन नंबर 19 में। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस है, बोला है कि अगर पहले से होल्ड कर रहे थे तो होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि समझो ए लिमिटेड पहले होल्ड करती थी बी लिमिटेड में 40% शेयर्स, और बी लिमिटेड होल्ड करती थी ए लिमिटेड में समझो 30% शेयर्स। अब क्या हुआ, ए लिमिटेड ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा लिया और 25% और शेयर्स ले लिया, तो टोटल हो गया 65%। अब यहाँ पे होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप तो बाद में एग्जिस्ट हुआ, जब सिर्फ 40% होल्ड कर रहे थे तो वहाँ तक के मना ही नहीं है, वहाँ पे वो कर सकता है। तो अगर पहले से क्रॉस होल्डिंग थी और बाद में फिर सब्सिडरी का रिलेशनशिप क्रिएट होता है तो यहाँ पे बी लिमिटेड को ये बेचने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि एनसन लिमिटेड ऐसे नाम रहते हैं और वो दूसरी बी लिमिटेड में एक शेयर्स होल्ड कर रही थी 40%, फिर बी लिमिटेड ए लिमिटेड में 30% होल्ड कर रही थी, बाद में ए लिमिटेड ने और 25% शेयर्स ले लिया तो बी लिमिटेड सब्सिडरी बन गई। अब आपको पूछा जाएगा क्या बी लिमिटेड यहाँ पे शेयर्स, बी लिमिटेड को यहाँ पे शेयर्स बेचना पड़ेगा, आंसर इज नो, यहाँ पे अलाउड है, यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो वोटिंग पावर्स है, खैर वोटिंग पावर पे बाद में आते, पहले अपन पूरे एक्सेप्शंस पढ़ लेते। ये पहला एक्सेप्शन है, तो पहला एक्सेप्शन ये बोलता है अगर पहले से होल्ड कर रहे थे तो चलेगा, तो दिया है देखो पहले एक्चुअल वर्डिंग्स ऑफ द एक्ट है, बेयर एक्ट से देख रहे हैं हम, ये नो कंपनी शैल आइदर बाय इट्सेल्फ और थ्रू इट्स नॉमिनीज, डायरेक्टली भी नहीं इनडायरेक्टली भी नहीं, होल्ड एनी शेयर्स ऑन इन इट्स होल्डिंग कंपनी। तो पहले बोल दिया नो कंपनी शैल होल्ड एनी शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी, भले खुद से या नॉमिनी से कैसे भी आप होल्ड नहीं कर सकते। तो किसकी बात हो रही, सब्सिडरी की। तो नो कंपनी शैल होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी, यानी सब्सिडरी शुड नॉट होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी, एंड नो होल्डिंग कंपनी शैल अलॉट और ट्रांसफर इट्स शेयर्स टू एनी ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज, एंड एनी सच अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी टू इट्स सब्सिडरी शैल बी वॉइड। तो ये वॉइड रहेगा, प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग केसेस सब्सिडरी कैन होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी। तो मैंने आपको थर्ड रूल पहले बताया, बाकी दोनों सिंपल है। थर्ड रूल बोलता है वेयर द सब्सिडरी कंपनी इज अ शेयर होल्डर इवन बिफोर इट बिकेम अ सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी, यानी वो पहले से शेयर होल्ड करती थी और बाद में सब्सिडरी बनी, ठीक है, तो ऐसे केसेस में होल्ड कर सकते हैं। और पहले तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है, वेयर द सब्सिडरी कंपनी होल्ड शेयर्स एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज, जैसे कि मैंने नॉमिनी बना दिया था, ऐसा हो सकता है कि मैं हूँ, एक कंपनी है ए लिमिटेड, ये सब्सिडरी कंपनी है, और एक कंपनी है बी लिमिटेड, ये होल्डिंग कंपनी है, अब मेरे पास शेयर्स थे ऑफ बी लिमिटेड बट मैंने नॉमिनी बना के रखा था ए लिमिटेड को कि मेरे मर जाने के बाद ये जो शेयर्स है ये शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे ए लिमिटेड को। अब यहाँ पे समझो मैं घचक गया, अब यहाँ पे ये जो शेयर्स है ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होना ही है, तो यहाँ पे भी आप ए लिमिटेड को ये नहीं बोल सकते कि आप शेयर्स होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्यों होल्ड कर पा रही है, क्योंकि मैंने इसको नॉमिनी बनाया था और मेरी डेथ के बाद ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो ऐसे केसेस में सब्सिडरी कैन होल्ड शेयर्स ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, समझा क्या, तो सिंपल है, यानी जब एज अ डिसीज के लीगल रिप्रेजेंटेटिव करके होल्ड कर रहे हैं, तो मेरी डेथ हो गई और मेरे रिप्रेजेंटेटिव करके वो कंपनी को मैंने शेयर्स दिया था, ऐसे केस में होल्ड कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है जब एज अ ट्रस्टी होल्ड कर रहे हैं, तो सब्सिडरी कंपनी होल्ड शेयर्स एज अ ट्रस्टी, तो ये तीन केस में होल्ड कर सकते हैं, जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव करके कर रहे हैं, दूसरा जब नॉमिनी करके, तीसरा जब पहले से होल्ड कर रहे थे, तो यहाँ पे बेचने की आवश्यकता नहीं होती, प्रोवाइडेड। अब वोटिंग का राइट बताया, सब्सिडरी शैल हैव अ राइट टू वोट,
एट अ मीटिंग ऑफ द होल्डिंग कंपनी ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय इट एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एज अ ट्रस्टी। मीन्स वोटिंग कहाँ मिलेगी? यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे इट कैन नॉट वोट, यहाँ वोटिंग नहीं मिलेगी। तो देखो कानून में ऐसे ही होता है, कितना बताया और कितना नहीं बताया। कानून में ये नहीं बोला कि सी में वोटिंग नहीं मिलेगी, पर कानून ने बोल दिया कि यहाँ पे वोटिंग मिलेगी लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाले केस में और ट्रस्टी वाले केस में, दैट मीन्स थर्ड केस में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा है। तो सब्सिडरी कंपनी को वोटिंग मिलेगी सिर्फ पहले दो केस में, और थर्ड केस में उसको वोटिंग पावर्स नहीं मिलते। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बाकी ये कोई खास काम का नहीं। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी है जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि क्या होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप हुआ। तो वहाँ पे हम कैसे देखते हैं? तो बाय कंट्रोल, नॉर्मल कंट्रोल। वहाँ शेयर नहीं है बट वहाँ पे जो गारंटी दी गई है कितने की दी गई उसके हिसाब से देखा जाता कितना इंटरेस्ट है। तो वहाँ पे भी क्रॉस होल्डिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ तो ठीक है, यहाँ होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप आपको इजीली समझता है क्योंकि यहाँ शेयर्स हैं, बट अगर शेयर्स नहीं है तो क्या होगा? तो वहाँ पे इंटरेस्ट देखा जाता है। तो एक कंपनी का दूसरे कंपनी में कितना इंटरेस्ट है, कितना कंट्रोल है। ठीक है, तो वही पॉइंट वहाँ दिया हुआ है, देखो। तो फॉर अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, इन सिंपल वर्ड्स जिस कंपनी में शेयर्स नहीं है, शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी शैल बी कॉन्स्टिट्यूट। शेयर्स का मतलब क्या निकाला जाएगा? एज अ रेफरेंस टू द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। तो इंटरेस्ट देखा जाएगा वहाँ पे, वॉट एवर बी द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल है, तो ये उतने काम का नहीं है वैसे। आपको मेन ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, सब सेक्शन टू इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा है, सिंपल। खूब स्लो हो गया आज अपन, है ना? समझ रहा कि नहीं? बचपन में पढ़े थे काफ़ी चीज़ें आपने, कुछ कुछ चीज़ें नहीं हैं, बाकी ज़्यादातर चीज़ें तो पढ़ी हुई थी, बट ठीक है। थक जाते होंगे आप इतने देर बैठ के, बेचारे नहीं भी थके तो मैं बोल बोल के थका देता, कभी कभी होता है। वैसे एक अच्छा है, अपने क्लास में लाइवलीनेस रहता है तो ऐसा रहना चाहिए, ऐसा नहीं रहता एकदम ऐसे पढ़े है टाइप। अच्छा है, हाँ अच्छी बात है, क्योंकि इतने देर बैठने के बाद और बैठना, और मैं तो सोच रहा हूँ अभी 5 बजे तक ले लेंगे अपन। हाँ जल्दी ख़त्म कर लेंगे, घर पे आराम से बैठ के आप पढ़ सकते हैं। अरे नहीं ना, मजाक कर रहा ना, कुछ भी। हाँ नहीं, यहाँ पे कंपनी वोट नहीं करेगी बोल रहे, तो यहाँ कंपनी वोट नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो ट्रस्टी करेगा, ट्रस्टी नहीं ये करेगा, क्या बोलते हैं, इतने वोट कम हो जाएंगे। देखो मैं बता देता हूँ, ये वाले केस में क्या होगा, ये वाले केस में जैसे ए प्राइवेट लिमिटेड अगर किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रही है, तो यहाँ पे ए प्राइवेट लिमिटेड ही वोट करती है। ठीक है, क्योंकि रजिस्टर में नाम प्रॉपर लिखे होते हैं, वो अपन पढ़ेंगे, सेक्शन 89-90 है कि रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स में लिखना पड़ता है कि कौन बेनिफिशियल ओनर है, ये सब चीज़ें बताना पड़ता है। तो यहाँ पे तो ये वोटिंग करेगी, यहाँ वोटिंग करना अलाउड है, लेकिन अगर वो क्रॉस होल्डिंग होती है जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे वोटिंग करना अलाउड नहीं है। तो सीधा सीधा क्या होगा, ये वाला केस, यहाँ तो होल्ड ही नहीं कर रहे, यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो 30% शेयर्स हैं इसकी वोटिंग ही नहीं होगी फिर। तो ये जो थर्ड वाला केस है इसमें जो 30% शेयर है इस पर वोटिंग ही नहीं होगी, तो टोटल वोट कितने बचे, 70%। तो 70 को 100 मान के ये किया जाएगा, वोटिंग ली जाएगी। ठीक है, जैसे परसेंटाइल निकालते उस प्रकार से। ठीक है, तो 70 पे ही वोटिंग होगी, बाकी 30 को इग्नोर किया जाएगा। तो वोटिंग कैसे होती है वो भी बताऊंगा मैं, कितने वोट्स दिए गए उसमें से कितने फेवर में आए। तो ऐसा नहीं होता कि समझो 100 वोट हैं तो पूरे 100 वोट नहीं काउंट करते, कितने लोगों ने वोट दिया वो देखा जाता है। 100 वोट में से अगर सिर्फ 40 लोगों ने वोट दिया तो 40 से ही काउंटिंग की जाती है, तो 40 में कितने हाँ बोल रहे कितने नहीं बोल रहे। ठीक है, जिन्होंने एब्स्टेन किया या जिसमें अलाउड नहीं था ये इग्नोर किया जाता है। ठीक है, ऐसा है, चलो बस ये थोड़ा सा पढ़ते हैं, ये 2-4 पॉइंट और ख़त्म, बस ये यहाँ तक के पढ़ते हैं, ख़त्म। एसोसिएट कंपनी,
एसोसिएट यानी क्या? तो एसोसिएट कंपनी मीन्स एक ऐसी कंपनी जिसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, जो कंट्रोल तो नहीं कर सकती बट इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि वो है, वो आपको कंट्रोल कर सकती है। उसने बोली देखो आज मूवी चलना है तो चलना ही चाहिए, आप कुछ नहीं बोलोगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कंट्रोल नहीं कर सकते बट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, भाई तू ऐसा करेगा मेरे साथ, ऐसे वाले लोग जो होते हैं तो वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, भाई यही तेरी दोस्ती, उस दिन तो मैं तेरे साथ गया था, आज मेरे को ज़रूरत है, तू नहीं चलेगा। तो उसका एकदम कंट्रोल नहीं है बट वो किसी प्रकार से आपके ऊपर हावी तो हो सकता है। तो इन्फ्लुएंस करना, तो इन्फ्लुएंस कब मानते हैं? जब 20% या उससे ज़्यादा कंट्रोल है, तो 20% या उससे ज़्यादा कंट्रोल इंक्लूडिंग 20%, बट 50% से कम है, 50% तक, क्योंकि 50% के ऊपर जाएगा तो फिर वो होल्डिंग में कवर हो जाएगा, होल्डिंग सब्सिडरी। तो 50% तक के, तो 20 से 50% तक के अगर कंट्रोल है तो उसको हम मान लेते हैं एसोसिएट है, ठीक है। तो एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन है, मीन्स अ कंपनी इन विच द अदर कंपनी हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज़ नॉट अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच अदर कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। तो दो कंपनी मिल के काम कर रही है तो वो भी इसमें कवर होंगी एसोसिएट्स में, ठीक है। तो पहली चीज़ ध्यान रखो कि 20% या उससे ज़्यादा से लेके 50% या उससे कम तक, ठीक है, इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग 50%, क्योंकि 50 के ऊपर सब्सिडरी बनती है, ऐसा है सिंपल। अगर ये एरो वगैरह ये बनाने में आपको कन्फ्यूजन होता है तो ऐसे मत बनाया करो, पूरा लिखा करो लेस देन और इक्वल टू, होता है ना, इसमें भी कन्फ्यूजन होता, मेरे को होता था, मैं छोटा था तो खूब कन्फ्यूजन होता था। हाँ बताओ। हाँ एक सेकेंड बहुत लंबा रिश्ता हो गया तो रिश्ता बना लेते हैं। हाँ एक चीज़ और क्लैरिफाई कर दूँ, कुछ चीज़ें कानून में नहीं है, जैसे कोई डाउट्स ऐसे आते हैं और मैं कुछ चीज़ें बता भी नहीं रहा आपको, जैसे कुछ डाउट्स ऐसे आ सकते हैं आपको जो कानून में कहीं नहीं लिखा है, तो उसमें फिर जब कोर्ट डिसाइड करेगा तब पता लगेगा। जैसे एक और मैं भी इनका सवाल तो लेते हैं, बट ऐसा भी हो सकता है ए अगर बी लिमिटेड के समझो 70% शेयर होल्ड कर रहा है और बी लिमिटेड ए लिमिटेड के डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है तो क्या होगा, ये कहीं नहीं लिखा है। तो यहाँ तो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, एक शेयर होल्डिंग के थ्रू और दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पर ये कानून में कहीं नहीं लिखा, तो जब कहीं केस होगा कुछ होगा तो देखेंगे। हाँ आपका सवाल अब देखते हैं, ए एक इंडिविजुअल है, हाँ बी लिमिटेड के शेयर्स है 70%, हाँ हाँ हाँ, तो एक ही डेथ हो गई तो ये जो शेयर्स है ये क्रॉस होल्डिंग में चले जाएंगे। तो यहाँ पे बी लिमिटेड के जो शेयर्स हैं, यानी एक सेकेंड उल्टा हो गया, हाँ ये इधर आ जाएंगे 70%। यहाँ पे लीगली देखो तो बी लिमिटेड ही होल्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं गिना जाएगा ना, ये होल्ड कर रहे हैं बट उसको होल्डिंग करके नहीं माना जाएगा फिर, तो होल्ड कर सकते हैं बट यहाँ पे होल्डिंग कंपनी नहीं माना जाएगा। हाँ बी लिमिटेड विल बी दी होल्डिंग कंपनी, क्योंकि बी ऑलरेडी 80% होल्ड कर रही थी, ठीक है। तो ऐसा है, तो इसमें केसेस और भी हो सकते हैं, आपके मन में और भी कुछ आ रहे होंगे तो और भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन पूरी चीज़ें इसमें नहीं क्लैरिफाई की गई है। तो कानून में हो सकता है कि कल चल के कोई ऐसा केस हो जिसमें झगड़ा हो तो रूल्स बदल भी सकते हैं, तो कानून कभी भी एकदम परफेक्ट नहीं होते। तो एक व्यक्ति है डेनिंग करके, एक है, एक बहुत बड़ा ये था इंटरप्रिटेशन वगैरह की स्किल्स जिसको आती थी, तो उसने बोला था कि कानून परफेक्ट नहीं होते, और ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि कानून लिखे जाते हैं इन वर्ड्स, और वर्ड्स कभी भी परफेक्ट नहीं होते क्योंकि उसके बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं, और ये अच्छी चीज़ है बोले, क्योंकि अगर कानून एकदम परफेक्ट होता कि ऐसा किया तो ऐसा ही छोना, तो वो गलत होता। कि अगर किसी ने किसी का मर्डर किया तो उसको सजा ही छो, सजाए मौत हो, तो ये गलत होता, क्योंकि मर्डर किस हालात में किया ये भी देखना ज़रूरी है। तो ऐसा उसने बोला था, एक डेनिंग करके व्यक्ति था, तो खैर उसने बहुत सारी चीज़ें बोला है, तो ऐसे बहुत सारे लोग रहते बोलते जाते अपन पढ़ते रहते। हाँ तो इकोनॉमिक्स में भी आप पढ़ेंगे ऐसा।
कुछ नहीं होगा, सेम रूल रहेगा, तो 70-70 भी रहा तो भी कुछ नहीं होगा, वही बी लिमिटेड होल्डिंग है। हाँ, क्योंकि ये एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव होल्ड कर रहा ना वो, तो होल्ड कर सकते बट होल्डिंग का रिलेशन नहीं मानेंगे हम वहाँ। हाँ है, चलो ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो अच्छे सवाल है, तो ऐसे मेरे को लगा था ऐसा कुछ आएगा, तो इसीलिए मैंने पहले ही क्लैरिफाई किया कि ऐसा भी केस हो सकता है। हाँ बोलो, तो भी सेम सेम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होल्डिंग भले ही उसका कंट्रोल ज़्यादा है बट फिर भी अपन वही रूल मानेंगे, क्योंकि जो पहले से होल्ड कर रहा था दूसरे को तो ड्यू टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव आए ना उसके पास, तो इसीलिए वही नॉर्मल रूल ही माना जाएगा। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, फिर और कोई क्वेश्चंस होंगे तो देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ गया। अच्छा है, ऐसा वार्तालाप होते रहे ना तो आपको भी इंटरेस्ट आता है, तो लोग जो सोए भी होंगे, वैसे सोए हुए दिखते नहीं अपने को, तो एक कोई सोया था वो गायब हो गया, तो वो अब बाद में आएगा, तो ऐसा होता है कभी कभी, वो रिपीट कर रहा था वो, तो उसने बोला सर मैं बाद में आता हूँ, मैं बोला ठीक है ऐसा है, चलो ठीक है। एक सोया था ना उस दिन, हाँ हर्षित नाम है उसका, कहाँ है? हाँ नहीं मैं जानता हूँ उसको। चलो एसोसिएट कंपनी, तो एसोसिएट यानी एक ऐसी कंपनी जो कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बता रही है बट विच इज़ नॉट अ सब्सिडरी कंपनी, या फिर एक जॉइंट वेंचर कंपनी। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को भी डिफाइन किया है, मींस कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20%, एटलीस्ट बोला है ने 20% और मोर, इक्वल टू भी कवर हो जाएगा वहाँ पे, ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजंस, यानी मतलब वही हो गया, बिजनेस डिसीजंस कौन लेते हैं? डायरेक्टर्स। तो अल्टीमेटली बिजनेस डिसीजन में अगर वो पूरा पार्टिसिपेशन कर सकता है 20% या उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो मान लिया जाएगा 20% कंट्रोल है। फिर जॉइंट वेंचर क्या है? मीन्स अ जॉइंट अरेंजमेंट वेयर बाय द पार्टीज हैव दैट हैव जॉइंट कंट्रोल ओवर द अरेंजमेंट हैव राइट्स टू द नेट एसेट्स ऑफ द अरेंजमेंट, यानी जहाँ पे दोनों ने इक्वल असेट्स लगाए या किसी भी प्रकार से दोनों ने मिलके असेट्स लगाए हैं। जैसे कई बार होता है कि एक कोई प्रोजेक्ट है, जैसे एक पुल बनाना है, अब एक कंपनी है वो अकेले पूरा नहीं कर सकती, तो दूसरे कंपनी के साथ वो जॉइंट वेंचर करके वो पुल बनाती है, तो ऐसे केसेस में ये दोनों कंपनीज भी एसोसिएट मानी जाएगी। ठीक है, तो सिंपल आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये तो बाद में देखेंगे हम, कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट, इसको ही हम सेक्शन 8 कंपनी भी बोलते हैं प्यार से, तो देखेंगे अपन अगले चैप्टर में। स्मॉल कंपनी अभी देखने के बदले अभी ये छोटी वाली डेफिनेशन देख लेते, बकवास वाली स्मॉल कंपनी रुक जाते हैं थोड़ा। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये एक बार पूछी गई है डेफिनेशन बट उसके बाद कभी नहीं पूछी, ये रटने वाली डेफिनेशन है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ बताया गया पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी क्या। तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीन्स पहले LIC साइड में लिख के रख लो, दूसरा IDFC, तीसरा कंपनीज अंडर UTI के हिसाब से जो कंपनी बताई गई है वो, फिर जो पुराने एक्ट में ओल्ड एक्ट में बताई गई थी कंपनीज एक्ट 1956 में कि ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो, और जो इस एक्ट में बताई गई तो न्यू एक्ट में। तो रटने वाली डेफिनेशन है, कोई कोई डेफिनेशन होती है रटने वाली, तो मैंने बताया था आपको बहुत कम चीज़ें रहेंगी, 2-3% चीज़ें जो आपको रटना पड़ेगा, तो उनमें से एक ये है। ठीक है, सो LIC एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ LIC एक्ट, ये याद नहीं रहा तो चलता है। IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, फिर स्पेसिफाइड कंपनी रेफर्ड टू इन UTI ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एंड रिपील एक्ट 2002, तो UTI का अलग केस है, खैर अभी फ़िलहाल मैं नहीं बताऊंगा, UTI वैसे बंद हो चुका है, तो UTI में फ्रॉड हुआ था तो पता होगा आपको, शायद पता है क्या, खैर अभी उस पर डिस्कशन नहीं करते, तो ये इसीलिए यहाँ लिखा है कंपनीज रेफर्ड अंडर UTI ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, पूरी अंडरटेकिंग ट्रांसफ़र की गई थी उस टाइम पे, तो वो एक एक्ट बना था 2002 में। फिर इंस्टीट्यूशंस नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 4A(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट, यानी जो पुराने एक्ट में इंस्टीट्यूशन को नोटिफाई किया था इन्होंने कि ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो वो भी है। इसके अलावा
such other institution as may be notified by central government in consultation with RBI. तो जो भी RBI के साथ मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. यहाँ पे ध्यान रखो, जनरली क्या होता है, ऐसा कहीं लिखा है ना कंपनीज एक्ट 1956, तो हम उसको मान लेते हैं कि ये नए एक्ट की बात हो रही. जनरली ये इंटरप्रिटेशन का रूल है. जैसे आप पढ़ोगे इनकम टैक्स में अगले साल फाइनल लेवल पे, तो वहाँ पे आप देखोगे वहाँ लिखा है कि बुक प्रॉफिट एज कंप्यूटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956. अब वहाँ 1956 का एक्ट तो ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे आप अपने आप ऑटोमेटिकली मान लोगे 2013 के एक्ट की बात हो रही है. लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफिकली इनका इंटेंशन ही है कि 1956 का ही एक्ट होना चाहिए, तो इतने पार्ट के लिए आप 1956 ही मानते हैं. नहीं तो बाकी केसेस में अगर कोई और कानून में ऐसा लिखा होगा कि बुक प्रॉफिट आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से निकालोगे, तो कंपनीज एक्ट 1956 हट गया, तो उसकी जगह आप 2013 मानते हैं, बट यहाँ पे आप 1956 ही मानेंगे. ठीक है, क्योंकि वो उनका इंटेंशन है. तो ये अपन जब इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे तब मैं ये एग्जांपल फिर से बताऊंगा आपको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का. ठीक है, तो ऐसा है. प्रोविजो कुछ नहीं बोलता, प्रोविजो सिर्फ इतना बोलता है कि अगर न्यू एक्ट में कोई इंस्टीट्यूशन को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करके नोटिफाई करना है तो या तो वो गवर्नमेंट कंपनी होना चाहिए या तो कोई स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन होना चाहिए. तो इट शैल बी एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर सेंट्रल और स्टेट लॉ, स्टेट एक्ट, यानी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, जिसको स्टैट्यूटरी कंपनी भी बोलते हैं, और नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड और कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली बाय सेंटर एंड स्टेट, यानी गवर्नमेंट कंपनी. सो इन सिंपल टर्म्स, अगर आपको न्यू एक्ट में कोई नए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बताना है तो कंपल्सरीली आपको ये दो कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा. या तो पढ़ लेते हैं पूरा. Provided no institution shall be notified unless, कोई भी institution को यहाँ notify नहीं किया जा सकता जब तक के it has been established or constituted by or under any central or state law, जब तक कि वो कोई कानून के तहत नहीं बनाए और जिसमें 51% कम से कम शेयर होल्डिंग सेंटर या स्टेट की ना हो. ठीक है, इन सिंपल टर्म्स, जब आप किसी एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को नोटिफाई करना चाहेंगे तो तभी कर सकेंगे जब वो कोई स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन हो या वो गवर्नमेंट कंपनी हो. ठीक है, तो ऐसा है, समझा क्या? तो सिंपल, ये बकवास सी डेफिनेशन है बट एक बार ये पूछी गई है तो अभी भी वैसे पूछने के चांस नहीं है. एक ही बार पूछे, उसके बाद कभी नहीं पूछा. एक बार भी बहुत पहले पूछा गया था ओल्ड कोर्स में, जब IPCC हुआ करता था उस टाइम ये पूछा गया था. तो अभी चांसेस कम है बट फिर भी एक बार पढ़ लेना चाहिए. लिस्टेड अनलिस्टेड, बस ये एक पढ़ लेते. लिस्टेड अनलिस्टेड, बाकी क्या, लिस्टेड यानी जो लिस्टेड है ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अनलिस्टेड यानी जो लिस्टेड नहीं है. कितना सही, बहुत सही. तो लिस्टेड कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटीज रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो लिस्टेड कंपनी कहलाती है. अनलिस्टेड मीन्स जो लिस्टेड नहीं है, खत्म. डॉर्मेंट कंपनी, ये तो डॉर्मेंट निधि और स्मॉल कंपनी अगली क्लास में देखेंगे, और छोटी मोटी और डेफिनेशन है वो भी अपन देख लेंगे. चलो, कोई डाउट है क्या ऑनलाइन वाले? ऑनलाइन वालों को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं. चलो, कोई डाउट दिख नहीं रहा है तो अपन क्लास को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. अगली क्लास में अपन बाकी की चीज़ें देखेंगे. थैंक यू. Thank you.